चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? एक बार थम्स अप दे देना इफ ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। क्लियर है? सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। चलिए, सो ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो विल कंटिन्यू। सो इन द एसडीएस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो की बात कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी कर ली थी लेमिनार फ्लो के अंदर हम। मोस्ट प्रोबेबली वील फिनिश लेमिनार फ्लो टुडे। आज तो फुल फ्लेश क्लास है आपकी 2 घंटे की, तो आज की क्लास में हम लेमिनार फ्लो खत्म करेंगे और टर्बुलेंट फ्लो में भी एंटर कर जाएंगे। विल एंटर इन टू दी टर्बुलेंट फ्लो ऑल्सो। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। प्रायर टू दी स्टार्टिंग वी हैव बेसिक अनाउंसमेंट्स। इंजीनियरिंग सर्विस 2022 रिजल्ट वॉज बिंग अनाउंस लास्ट मंथ एंड यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम एन अकेडमी प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं प्लेटफॉर्म से। इट मीन्स ग्रेट कंटेंट इज बिंग प्रोवाइडेड टू यू। जो कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है टॉप नॉच है, अनमैचेबल कंटेंट मिलेगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑल दी टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, दोज़ हू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट, ESE, IRMS, सिविल सर्विसेज, मेंस 2024, उनके लिए नया बैच लॉन्च कर रहे हैं हम। 18 जनवरी को बैच लॉन्च हो रहा है। आई विल बी स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बैच। मैं ही फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा इस बैच का। आई बी स्टार्टिंग विद पर्ट CPM। पर्ट CPM स्टार्ट करेंगे इसमें। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट, ESE, IRMS, सिविल सर्विसेज, मेंस 2025 के लिए, फॉर देम ऑल्सो द न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड। उनके लिए भी नया बैच लॉन्च हो रहा है 18 जनवरी को ही। आई बी स्टार्टिंग विद द पर्ट CPM इन दिस बैच ऑल्सो। पर्ट CPM स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसी बैच के अंदर। नेक्स्ट, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं IRMS के लिए 2023, दोज हू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IRMS 2023, उनके लिए प्री का सेपरेट बैच लॉन्च किया है, मेंस का भी सेपरेट बैच लॉन्च किया हुआ है और दोनों का कंबाइंड बैच भी अवेलेबल है। तो अगर आप प्री का प्रिपेयर करना चाहते हैं प्री का प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंस का प्रिपेयर करना चाहते हैं मेंस का प्रिपेयर कर सकते हैं, और दोनों का कंबाइंड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कंबाइंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग प्री का प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए 18 दिसंबर को बैच लॉन्च हुआ था प्री का। उसके लिए आपको UPSC की प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। मेंस के लिए आपको गेट, ESE का ही एक्सेस लेना पड़ेगा, वो सेपरेटली अवेलेबल है। तो जो नया बैच लॉन्च हो रहा है हमारा, द न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च फॉर IRMS ऑन 18th of January, 18 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। देन जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2023 के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2023, फॉर देम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज बीइंग शेड्यूल्ड। उनके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी शेड्यूल किया हुआ है। इन ऑर्डर टू चेक द परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक कर सकते हो। जो भी गलतियाँ आप कर रहे हो वो इस टेस्ट में आप एनालाइज कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मोर ओवर ऑलमोस्ट सारे लर्नर्स इस टेस्ट को देते हैं, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा आपकी रैंकिंग का कि प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपका जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है अभी 8 जनवरी को है, 15 तारीख को है, 22 तारीख को है, 29th को है। सो इनरोल फॉर दिस टेस्ट, इनरोल कीजिए। और जैसे रियल टाइम टेस्ट होता है आपका गेट का, उसी तरीके से आप इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें SSC JEE की, इफ़ यू टॉक अबाउट SSC JEE के लिए भी एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया है प्री के लिए, क्योंकि कैलेंडर लॉन्च हो गया SSC JEE का, उसकी भी वैकेंसीज आने वाली हैं और इस बार मेरे ख्याल से बम्पर वैकेंसीज आएंगी। फॉर दैट न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड, उसके लिए नया बैच लॉन्च हो गया 11 जनवरी को। सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको इस बैच के अंदर। जो लोग लास्ट ईयर SSC JEE का प्री दिए थे उनके लिए मेंस बैच भी लॉन्च किया हुआ है। फॉर देम द मेंस बैच इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड। इनफैक्ट कल ही लॉन्च हो गया था, आज मैंने भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया इसके अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज एक क्लास हो गई है इसकी। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस ऑफ SSC JEE, यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच। इस बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स, दीज वर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? कल की क्लास में हमने बात किया था लेमिनार फ्लो क्या होती है, अलग अलग मीडियम में फ्लो लेमिनार कब होगा, ट्रांजिशन कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा, इसकी लिमिट्स देख ली थी हमने, पाइप के अंदर, ओपन चैनल के अंदर, पैरेलल प्लेट के अंदर और सॉइल के अंदर। सो ये चारों मीडियम्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। नेक्स्ट हमने बात करी थी फ्लो थ्रू पाइप्स की। तो अगर लेमिनार फ्लो होता है सर्कुलर पाइप के थ्रू, 4-5 चीज़ें निकाली थी हमने। पहली चीज़ क्या निकाली थी? शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन। शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन क्या निकल के आती है? -R/2 D/DL P+γZ, यानी वेरिएशन कैसी है? लीनियर है, वेरिएशन इज लीनियर। फिर इसके बाद हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आती है पैराबोलिक, इट कम्स आउट टू बी पैराबोलिक, 1/4π -GP/DL ब्रैकेट में बड़ा R² - छोटा R², तो ये वेरिएशन पैराबोलिक निकल के आती है।
इसके बाद हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था, डिस्चार्ज वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, हेगन पोस्टले इक्वेशन बताई थी आपको, तो हेगन पोस्टले इक्वेशन के हिसाब से डिस्चार्ज इज पाई डी फोर अपॉन 128 माइनस जी पी बाई डी एल। तो ये तीसरी चीज़ आपको डिस्चार्ज बताई थी, थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस वॉज डिस्चार्ज। फिर इसके बाद लॉसेज निकाले थे हमने, लॉसेज निकाले थे हमने पाइप के अंदर, तो अगर पावर के रिक्वायरमेंट निकाले कितनी निकल के आ रही थी, इट वॉज कमिंग आउट टू बी गामा एच एल इंटू क्यू। फिर हमने लॉसेज कैलकुलेट किए, लॉसेज के बाद हमने बात करी थी किसकी, प्रेशर ड्रॉप की, तो हेड लॉस या प्रेशर ड्रॉप निकाला था हमने। सो पी वन माइनस पी टू वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, पी वन माइनस पी टू को हमने किसके टर्म में लिखा था, हमने पी वन माइनस पी टू वॉज ऑल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉट, जो प्रेशर का लॉस है वो हमने एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी लिखा था, इट वॉज 32 म्यू वी एवरेज एल बाई डी स्क्वायर। यहाँ से हमने हेड लॉस भी कैलकुलेट किया था डार्सी वेबेक इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डार्सी वेबेक इक्वेशन दैट वॉज ऑल्सो बी कंप्यूटेड। फिर आपको फ्रिक्शन फैक्टर निकाल के दिखाया था, फ्रिक्शन फैक्टर वॉज कमिंग आउट टू बी 64 बाई आर ई। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन कर ली थी और मेरे ख्याल से कुछ सवाल भी कराए थे, 7-8 सवाल करा दिए होंगे आपको इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ दी लेमिनार फ्लो इन दी सर्कुलर पाइप वॉज बिंग कम्प्लीटेड। तो आज की क्लास में क्या बचा हुआ है, आज की क्लास में हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट के बारे में। सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट। तो ये सारी डिस्कशन हो गई थी हमारी, ऑल दिस डिस्कशन वॉज बिंग कैरिड आउट, एक बार रिपीट भी कर दिया मैंने सब कुछ, आई हैव रिपीटेड ऑल दी पॉइंट्स कि कल क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आज हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट से। सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट, पैरेलल प्लेट्स। तो आज पैरेलल प्लेट से स्टार्ट करना है, तो मीडियम बदल गया हमारा। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट वॉट, विल बी टॉकिंग अबाउट लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। आज हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अब ध्यान रखना, इस फ्लो को और क्या बोला जाता है, हेलेशॉ फ्लो भी बोला जाता है। तो जो भी स्पेसिफिक नाम है फ्लो के वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जामों में तो जरूर ये पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो जाता ही नहीं है, डिस्कशन हम पूरी कर रहे हैं, पर जो ऊपर ऊपर की बातें वो जरूर पूछी जाती है। अब पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो तो सबने पढ़ रखा होगा, अब ये भी आपको ध्यान रखना है इस फ्लो को और क्या बोला जाता है। दिस फ्लो इज ऑल्सो टर्म्ड एज वॉट, दिस फ्लो इज टर्म्ड एज हेलेशॉ फ्लो। तो पैरेलल प्लेट्स के अंदर लेमिनार फ्लो रहा है, इसको हेलेशॉ फ्लो भी बोला जाता है। एनालिसिस वैसे की वैसी जैसे हमने कल करी थी पाइप के अंदर, बस फर्क क्या है, जब मैंने पाइप के अंदर आपको डिराइव कराया था पाइप कैसी ली थी, पाइप ली थी इंक्लाइंड, मैंने पैरेलल प्लेट कैसे ले रखी है, मैंने पैरेलल प्लेट ले रखी है हॉरिजॉन्टल, ये भी इंक्लाइंड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एलिमेंट मैंने कहाँ कंसिडर किया था, पाइप के अंदर कंसिडर किया था, वैसे एलिमेंट कहाँ कंसिडर किया हुआ है, वैसे ही एलिमेंट मैंने कंसिडर किया हुआ है पैरेलल प्लेट के बीच में। पाइप के अंदर जो एलिमेंट कंसिडर किया था वो कैसा था, वो सिलेंड्रिकल था, पर पैरेलल प्लेट के अंदर जो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है वो कैसा है, वो क्यूबॉइडल है। पैरेलल प्लेट के अंदर जो एलिमेंट कंसिडर किया हुआ वो कैसा है, वो क्यूबॉइडल है। तो पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज बी। प्लेट्स कैसी हैं, दोनों की दोनों स्टेशनरी प्लेट्स हैं, बोथ दी प्लेट्स आर स्टेशनरी। दोनों प्लेट की जो विड्थ है बोर्ड के अंदर वो कितनी है, 1 यूनिट, ये हमने माना है, एक्चुअल में कितनी भी हो सकती है। तो ध्यान रखना जो भी हमारी कैलकुलेशन होंगी वो किसके लिए होंगी, इफ द विड्थ ऑफ द पैरेलल प्लेट इज 1 यूनिट। पर अगर सवाल में आपको वो टोटल विड्थ दे दे तो सारी कैलकुलेशन में आपको टोटल विड्थ के हिसाब से एनालिसिस करनी पड़ जाएगी। तो ध्यान रखना हमारी जो भी एनालिसिस हो रही है, जो भी डेरिवेशन हम करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, उन सबके लिए पैरेलल प्लेट की विड्थ कितनी होगी, 1 यूनिट होगी इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, अब इस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कल लग रहे थे, पहला फोर्स वेट, वेट का तो कोई रोल होगा ही नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ द वेट इन टुडेज केस। क्यों, कल हमने इंक्लाइंड पाइप ली थी, आज मैंने हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट ली है, तो कोई कंपोनेंट वेट का ऐसा नहीं है जो फ्लो में कंट्रीब्यूट कर रहा हो या उसको रिटार्ड कर रहा हो, क्लियर है। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, प्रेशर फोर्स, सो व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग, प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर को मैंने मान लिया पी, तो प्रेशर हमारा कितना है पहले फेस के ऊपर, पी, चलो ठीक है। एलिमेंट की लंबाई कितनी है, एलिमेंट की लंबाई है dx, एलिमेंट की लंबाई है dy, और बोर्ड के अंदर कितना है, 1 यूनिट है। तो dx इसकी लेंथ है, dy इसकी थिकनेस है, और बोर्ड के अंदर इसकी विड्थ कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये जो प्रेशर फोर्स है कितने एरिया के ऊपर लग रहा है, ये जो प्रेशर फोर्स है कितने एरिया के ऊपर लगा, इस एरिया की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इट विल बी इक्वल टू dy इंटू बोर्ड के अंदर विड्थ इसकी 1 यूनिट। तो फोर्स कितना हुआ, तो फोर्स हो गया हमारा dy इंटू 1। तो पहला प्रेशर फोर्स आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े दूसरे फोर्स पे प्रेशर की वेरिएशन निकाली अलोंग दी लेंथ, प्रेशर की वेरिएशन अलोंग दी लेंथ dp बाई dx इंटू टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच इज इक्वल टू dx, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एरिया के साथ, एरिया कितना है dy इंटू 1। तो प्रेशर फोर्स आ गया। तो लेमिनार फ्लो किसकी वजह से होता है या पाइप फ्लो किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, प्रेशर डिफरेंस इज बीइंग शोन। नेक्स्ट कल आपको शेयर की वेरिएशन दिखाई थी, शेयर वॉज ऑल्सो बीइंग एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, कल पूरे एलिमेंट के सरफेस के ऊपर शेयर लग रही थी, यहां पर भी लग रही है। तो बॉटम फेस के ऊपर शेयर टाउ,
बॉटम फेस का एरिया कितना है, डीएक्सएस की लंबाई, बोर्ड के अंदर कितनी विड्थ है, 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट, तो फोर्स आ गया शेयर फोर्स। लेट अस सपोज शेयर की वेरिएशन जो है किसके रिस्पेक्ट में, शेयर की वेरिएशन डेप्थ के रिस्पेक्ट में, शेयर की वेरिएशन डेप्थ के रिस्पेक्ट में डी टाउ बाय डी वाई, शेयर की वेरिएशन डेप्थ के रिस्पेक्ट में कितनी है, डी टाउ बाय डी वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसकी थिकनेस के साथ, थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस इज इक्वल टू डी वाई, सो टाउ प्लस डी टाउ बाय डी वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया प्लेन एरिया विल बी इक्वल टू 1 यूनिट इसकी विड्थ बोर्ड के अंदर मल्टीप्लाई बाय लंबाई, लंबाई कितनी है डीएक्स इंटू 1। अब ध्यान रखना ये जो डी वाई है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, डी वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, डी वाई शुड बी मल्टीप्लाइड हियर, वो टाइपिस्ट ने गलत लिखा हुआ होगा। तो ये तो मैंने आपको सारे फोर्सेज दिखा दिए, ऑल दी फोर्सेज आर बीइंग कंसीडर्ड, जैसे हमने कल कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, हमने बोला था फ्लो स्टडी और यूनिफॉर्म है, अगर मेरा फ्लो स्टडी ऑफ यूनिफॉर्म है जब मैं इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, क्योंकि मेरा फ्लो स्टडी और यूनिफॉर्म है, अगर इसके ऊपर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन कंसीडर कर लो, इन एनी ऑफ द डायरेक्शन एक्सेलरेशन कैन बी कंसीडर्ड। तो लेट अस सपोज ये हमारी एक्स है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस आपको शो करके दिखा दी, सो एक्स और वाई एक्सिस आपको शो करके दिखा दी, सो इफ आई राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन आई विल से नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जीरो, तो आप नेट फोर्स कितना लगा दोगे एक्स डायरेक्शन में, जीरो लगा दोगे। अब नेट फोर्स निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, कौन कौन से फोर्सेज है, व्हाट आर द फोर्सेस, पहला फोर्स पी इंटू डी वाई, तो पहला फोर्स माइनस पी डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी वाई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस साइन के साथ लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉजिटिव साइन किसका है, पॉजिटिव साइन किसकी आ रही है, शेयर की आ रही है, तो शेयर की पॉजिटिव साइन, तो प्लस टाओ प्लस डी टाओ बाय, सो डी टाओ बाय डी वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया है इसका डी एक्स, नीचे का जो शेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस टाओ इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगी हुई है, क्लियर है चीज, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज बीइंग अप्लाइड, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई हमारी, क्लियर है चीज, रिपीट करना है उस पहले कुछ भी, चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें कौन कौन से टर्म्स कैंसल आउट हो गए, दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट, ये भी कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया भाई हमारे पास, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं व्हाट इज बीइंग लेफ्ट, माइनस डेल पी डेल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई, उधर क्या बचा हुआ है, उधर बचा हुआ है प्लस डी टाओ डी वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट, डी वाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई डी एक्स कैंसल आउट हो गया, तो डी वाई डी एक्स हमारा कैंसल आउट हो गया, क्या रिजल्ट आया, डी टाओ बाय डी वाई इज इक्वल टू डी पी बाय डी एक्स, दिस इज द रिजल्ट फॉर पैरेलल प्लेट, ये रिजल्ट निकल के आ रही है हमारी पैरेलल प्लेट के लिए, तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है पैरेलल प्लेट के लिए, तो इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू किसके बराबर है, शेयर ग्रेडियंट के बराबर है, तो जो चेंज ऑफ प्रेशर हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग वो चेंज ऑफ शेयर के बराबर है वाई एक्सिस के अलोंग, ये हमारी बेसिक रिलेशनशिप है। अगर यही पैरेलल प्लेट मेरी इंक्लाइंड होती क्या चेंज आता है यहां पे? अगर यही पैरेलल प्लेट मेरी इंक्लाइंड होती मैं डीपी बाय डीएक्स की जगह क्या लिख रहा होता, मैं डीपी बाय डीएक्स की जगह क्या लिख रहा होता, मैं लिख रहा होता डी बाय डीएल पी प्लस गामा जेड, द ओनली चेंज वुड हैव बीन दिस, क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, तो अगर ये इंक्लाइंड होता हम रिलेशनशिप को चेंज कर देते, वी वुड हैव चेंज द रिलेशनशिप, तो P प्लस गामा जेड बिल्कुल सही बात है अमन, एब्सोल्यूटली करेक्ट, तो P प्लस गामा जेड तो सही बात है नासिर, तो ये बेसिक रिलेशनशिप आ गई हमारी, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप, तो जैसे कल हमने रिलेशनशिप निकाली थी पाइप के अंदर वैसे ही हमने रिलेशनशिप निकाली हेलिश ऑफ फ्लो के अंदर, हेलिश ऑफ फ्लो मतलब लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ये लेमिनार फ्लो है किसके बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, क्लियर है पूरी कहानी।
चलो, तो ये रिलेशनशिप बता दी थी आपको, दिस रिलेशनशिप आई डिस्कस्ड, तो ये डिराइव किया, ये रिलेशनशिप आ गई. सो डी टॉप बाई डी वाई इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स, तो ये रिलेशनशिप आ गई हमारी. अच्छा, फिर आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इफ़ आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड मुझे वेलोसिटी की वेरिएशन निकालनी है. ये तो मेरी पहली इक्वेशन है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, हाउ आई विल कैलकुलेट द वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा देंगे. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, सो वी विल से ऑल्सो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू वॉट, म्यू डी यू बाई डी वाई. ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलती है फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप आ गई. तो अगर मैं दोनों को यूज करूं, तो अगर मैं दोनों को यूज करूं डी टॉ बाई डी वाई, तो अब अगर उसको सिंप्लीफाई करें, डी टॉ बाई डी वाई किसके बराबर होगा, डी टॉ बाई डी वाई टाओ की वैल्यू लिखी हुई है, सो दिस इज इक्वल टू म्यू. इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वॉट, डी पी बाई डी एक्स. ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप बन गई, दिस इज अवर सेकेंड रिलेशनशिप. क्लियर है? आपको चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी आई है तो कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे. अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, मुझे इसको कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई हैव टू इंटीग्रेट दिस ट्वाइस. तो दो बार इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दो बार इंटीग्रेट करो, रिलेशनशिप निकाल लो. लो एक बार इंटीग्रेट किया, तो उसको इंटीग्रेट किया, सो डबल इंटीग्रेशन, सो डबल इंटीग्रेशन, तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो अगर दो बार इंटीग्रेट करते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो एक बार इंटीग्रेट करने के बाद तो आ रहा है म्यू डी यू बाय डी वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डी पी बाय डी एक्स, तो वाई की वैल्यू उधर चली जाएगी. सो एक बार इंटीग्रेट करने के बाद तो ये रिजल्ट आ रही है, दिस इज द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट. तो एक बार इंटीग्रेट किया, ये रिजल्ट निकल के आ गया. अच्छा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, इंटीग्रेशन इज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंटीग्रेशन इज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो डी पी बाई डी एक्स, डी वाई उधर गया, एक बार इंटीग्रल किया तो एक बार वाई आ जाएगी, तो एक बार वाई आ जाएगा. और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, अगर दूसरी बार इंटीग्रेशन करी, कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हो, लेट सपोज कॉन्स्टेंट इज सी वन, दूसरी बार इंटीग्रेट किया, सो दूसरी बार इंटीग्रेट किया, सो दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो क्या आ रहा है, y की वैल्यू उधर जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे, सो म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, सो म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, सो म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन वाई प्लस सी टू. एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये रिलेशनशिप आ रही है, दिस इज द रिलेशनशिप इज कमिंग आउट. तो ये मेरी रिलेशनशिप है, दिस इज माई रिलेशनशिप. आप विस्कोसिटी को क्या कर सकते हो, नीचे ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग द विस्कोसिटी इन द डिनोमिनेटर. तो विस्कोसिटी कहाँ आ जाएगी, हमारी डिनोमिनेटर में आ जाएगी. सो विस्कोसिटी कैन बी यूज इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. चलो, क्या कंडीशन है हमारे पास. अब अगर मुझे बाउंड्री कंडीशन लगानी है, वट आर द बाउंड्री कंडीशन अवेलेबल. जब वाई की वैल्यू जीरो है, जब वाई की वैल्यू जीरो है तब वेलोसिटी कितनी होगी, जब y की वैल्यू जीरो है वेलोसिटी कितनी होगी. अब बाउंड्री कंडीशन, y इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, पहली कंडीशन. जब y की वैल्यू b के बराबर है तब वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो. तो दोनों प्लेट्स पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, दीज आर दी बाउंड्री कंडीशंस. दो अननोन है, सी वन सी टू, बाउंड्री कंडीशन पुट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है. तो एक तो मेरे को वैसे ही दिख रहा है, अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूं, वेलोसिटी जीरो, तो c2 वैल्यू कितनी आ गई. फ्रॉम हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2, यहां से c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है, तो c2 इज कमिंग आउट टू बी जीरो. उसी तरीके से y की वैल्यू b पुट करो, पुट y इक्वल्स टू b, और c1 की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, सब्स्टिट्यूट करो, c1 निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है c1 की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 कमिंग आउट. तो अगर y की वैल्यू b पुट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 कमिंग आउट, c1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, पुट y इक्वल्स टू b,
क्या रिजल्ट आ रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट? सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, म्यू इंटू जीरो इज इक्वल टू डी पी बाय डी एक्स बी स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन इंटू बी. सो दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट. ये वैल्यू आ रही है हमारी. तो सी वन की वैल्यू कितनी हुई? सी वन की वैल्यू हुई हमारी, बी भी कैंसिल आउट हुआ, उधर जीरो है. सो माइनस डी पी बाय डी एक्स इंटू बी बाय टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी वन. तो सी वन की वैल्यू कितनी आ गई? कौन है ये? म्यू बी. वाह भैया, भैया बढ़िया, सत्य शंकर को देखो, म्यू भी निकाल दिया. अरे भाई म्यू कहां से आ जाएगा? वो तो मल्टीप्लाइड में है ना, यहां पे तो जीरो है ये तो वैल्यू. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस सी पी बाय डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर. भाई वाई स्क्वायर कहां से आ गया? कुछ भी क्यों बोले जा रहे हो भाई? ये देखो सार्थक कुछ भी बोल रहा है, वो ऊपर देखो सत्य शंकर कुछ भी बोल रहा है. भाई सिंपली वैल्यू तो पुट करनी है आपको. वेलोसिटी जीरो, वाई की वैल्यू डाल दी मैंने बी, तो वाई की वैल्यू बी पुट कर दी, सी वन की वैल्यू निकल के आ गई. मतलब इतनी कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत हो जाती है आपको. मतलब इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है वो करने में भी परेशानी हो रही है. तो भैया फिर तो आगे क्या ही बताऊं. अब सी वन की वैल्यू उठा के डाल दो ऊपर, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ सी वन, खत्म कहानी. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, तो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वन बाय म्यू डी पी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर बाय टू. सी वन की वैल्यू है माइनस डी पी बाय डी एक्स बी बाय टू वाई. सो दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट. ये वैल्यू निकल के आ रही है. और सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई किया, टू कॉमन आया. सो वन अपॉन टू म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स कॉमन लिया. सो माइनस डी पी बाई डी एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बना? बी वाई माइनस वाई स्क्वायर. सो बी वाई माइनस वाई स्क्वायर. तो वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? सो पैरेलल प्लेट्स के अंदर वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? पैराबोलिकली वेरी करती है. तो कल जैसे हमारी पाइप के अंदर वेलोसिटी पैराबोलिकली वेरी कर रही थी, यहां पर भी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है? पैराबोलिकली वेरी कर रही है. सो वेरिएशन इज कमिंग आउट टू बी पैराबोलिक. यहीं से पता चल रहा है आपको वेलोसिटी मैक्सिमम कहां मिलेगी. जैसे कल निकाला था, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई. कल आर की वैल्यू जीरो आ गई थी, आर की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर पे. इस बार वाई की कैलकुलेशन कहां से हुई है? इस केस में वाई की कैलकुलेशन कहां से हुई है? वाई की कैलकुलेशन हुई थी बॉटम ऑफ द पाइप से, ध्यान रखना इस चीज. तो कल हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, तो हमने बोला था du by dr की वैल्यू जीरो के बराबर पुट कर दो, तो r की वैल्यू जीरो आ गई. इस बार ये y के टर्म में, और y कहां से मेजर हो रहा है? बॉटम से मेजर हो रहा है. तो अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, इसको डिफरेंशिएट करो, जीरो के बराबर पुट कर दो. यहीं से दिख रहा है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये बनेगा b, ये बनेगा माइनस टू वाई. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? b बाय टू. y की वैल्यू b बाय टू, इसका मतलब पैरेलल प्लेट के सेंटर पे ही वेलोसिटी क्या आती है? मैक्सिमम आती है. तो कल भी ये चीज एनालाइज करी थी, आज भी ये चीज एनालाइज करी है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी आपको? मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी सेंटर पे. ये लो आगे एक्सप्रेशन आ रखा है, ये डिराइव करके दे रखा है. अब मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी बता सकता था कि रट लो इसे, देखो डब्बा बना हुआ है. फिर आप बोलते सर कैसे आया? तो एक एक चीज मैंने डिराइव करके दी हुई है. सो इट इज वन अपॉन टू म्यू माइनस जी पी बाई डी एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर. वेलोसिटी मैक्सिमम कहां आएगी? जब वाई की वैल्यू बी बाई टू होगी. पुट वाई की वैल्यू बी बाई टू, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ जाएगी. सो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वन अपॉन टू म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू बी बाई टू पुट करी, सो बी इंटू बी बाई टू माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर. सो बी बाई टू का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? ये बनेगा बी स्क्वायर बाय टू, बी स्क्वायर बाय फोर. माइनस किया बी स्क्वायर बाय फोर, वन अपॉन एट म्यू माइनस डी पी बाय डी एक्स इंटू बी स्क्वायर. ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, दिस इज अवर मैक्सिमम वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की वेरिएशन कैसे आई? पैराबोलिक आई. अब तो आप शेयर स्ट्रेस भी निकाल सकते हो. क्या है हमारी शेयर स्ट्रेस? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई. यही है शेयर स्ट्रेस, म्यू डी यू बाय डी वाई. ये आपकी वेलोसिटी लिखी हुई है, इसको डिफरेंशिएट कर दो वाई के रिस्पेक्ट में. सो म्यू
उसको डिफरेंशिएट किया, सो वन अपॉन टू म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, सो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, आगे क्या है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आ गई हमारी बी माइनस टू वाई, सो बी माइनस टू वाई, ये म्यू म्यू कैंसल आउट हो गया, म्यू म्यू कैंसल आउट हो गया। तो शेयर कैसे वेरी कर रहा है, हाउ द शेयर इज वेरिंग, शेयर की वेरिएशन लीनियर आ गई, तो शेयर आ गया हमारा वन अपॉन टू माइनस डी पी बाय डी एक्स बी माइनस टू वाई, सो बी माइनस टू वाई, ये हमारा शेयर का वेरिएशन है। तो शेयर वेरी करती है लीनियरली, सेंटर पे कितनी होगी जीरो, मैक्सिमम कहां पर होगी बाउंड्रीज पे, विल कम आउट टू बी मैक्सिमम एट दी बाउंड्रीज। तो पहली चीज शेयर की वेरिएशन लीनियर, दूसरी चीज वेलोसिटी की वेरिएशन पैराबोलिक, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी इज पैराबोलिक। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, क्लियर है? थर्ड चीज क्या निकली थी, अरे मल्टीप्लाई डिवाइड भी थोड़ा धीरे बताओ, सही है, कोई कोर्स थोड़ी चल रहा है, पूरा रिवीजन चल रही है, अभी तो रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में भी सब कुछ डिराइव करके दे रहा हूं, डिराइव में भी क्या कर रहा हूं भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, इंटीग्रल डिफरेंशियल कर रहा हूं, उसमें भी बोल रहे हैं थोड़ा सा धीरे करके बता दो, तो भैया फिर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर लो, फिर तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ही कर लो, क्या है इसमें कैलकुलेशन के अंदर, ये तो बल्कि आपको खुद को डायरेक्टली पता होनी चाहिए भैया। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की वेरिएशन क्या नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की वेरिएशन कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, वेलोसिटी वेरी कर रही है, आप डिस्चार्ज को क्या नहीं बोल सकते, आप डिस्चार्ज को यह नहीं बोल सकते इट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज निकालनी पड़ेगी और उन सारे एलिमेंट्स की डिस्चार्ज को जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो अब मुझे डिस्चार्ज निकालना है, डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा, सो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, ये लो निकाल रखा होगा। अब मुझे डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, देखना पैरेलल प्लेट सेम वही एलिमेंट, इस एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज निकाल लो, तो इस एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज कितना है डी क्यू, इस एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज कितनी है डी क्यू, ऐसे सारे एलिमेंट्स की डिस्चार्ज को कैलकुलेट करो, टोटल डिस्चार्ज आ जाएगी। क्लियर है पूरी कहानी? चलो कैसे निकाले डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी ए इंटू वेलोसिटी, डी ए की वैल्यू, डी ए की वैल्यू कितनी है, डी ए की वैल्यू है डी वाई इंटू वन, और वेलोसिटी की वेरिएशन पीछे हमने निकाल लिया, वन अपॉन टू म्यू माइनस जी पी बाई डी एक्स इंटू बी वाई वन माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज द एलिमेंटल डिस्चार्ज। अब आपने क्योंकि इसकी विड्थ वन यूनिट ले रखी है, ये टोटल डिस्चार्ज नहीं है, ये कैसा डिस्चार्ज है, ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, तो ये टोटल डिस्चार्ज नहीं है, ध्यान रखना कैसा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है ये, तो इसको इंटीग्रेट कर दो क्या मिल जाएगा आपको, इफ आई इंटीग्रेट दिस व्हाट आई गेट, आई गेट द टोटल डिस्चार्ज, सो आई विल से क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू, सो इंटीग्रल इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वन अपॉन टू म्यू, वन अपॉन टू म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, इंटीग्रेशन विल बी डन फ्रॉम जीरो टू बी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर बी तक कर लेंगे। चलो कैलकुलेट करो इसको, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, कांस्टेंट बाहर निकाले, वन अपॉन टू म्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स, ये बाहर निकाल दिया, बी वाई का इंटीग्रल बी वाई स्क्वायर बाय टू, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाय थ्री, सो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाय थ्री, वेरिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर जीरो टू बी, तो जीरो से लेके बी तक वेरी कर रहा है,
तो वैल्यू कितनी आई, 1/2 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स, ब्रैकेट में गए, बी क्यूब बाय 2 माइनस बी क्यूब बाय 3। तो बी क्यूब बाय 2 माइनस बी क्यूब बाय 3 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, बी क्यूब बाय 2 माइनस बी क्यूब बाय 3 एलसीएम ले लो 6, 3 माइनस 2 तो 1/6 आ जाएगी। तो डिस्चार्ज हमारा कितना हुआ, तो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू 1/12 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी क्यू, दिस इज द डिस्चार्ज विच इज कमिंग आउट। ये हमारा डिस्चार्ज निकल के आगे 1/6, आगे 2 लिखा हुआ था, 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 इंटू 2 क्या हो गई हमारी 12 हो गई। तो ये हमारी डिस्चार्ज निकल के आ गई, दिस इज अवर डिस्चार्ज। क्लियर है, सो दिस इज अवर डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज निकल के आ गया हमारा, दिस इज अवर डिस्चार्ज। अच्छा, कल आपने डिस्चार्ज मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में भी लिखा था और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी लिखा था, और वहां से एवरेज और मैक्सिमम के बीच में रिलेशनशिप निकाल ली थी। जब हमारा पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी वॉज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, और कंसेप्ट क्या लगा था, डिस्चार्ज को आपने मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में लगाया और डिस्चार्ज को आपने एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी लिख दिया। अभी इस डिस्चार्ज को मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में लिख सकता हूं, अभी आपने पीछे मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी, कितनी आ रही थी, व्हाट वाज द मैक्सिमम वेलोसिटी कमिंग आउट, मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही थी 1/8 μ माइनस जीपी बाय डीएक्स इनटू बी स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही थी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाज 1/8 μ, लिख देता हूं यहां पे, सो यू मैक्स कितनी थी, 1/8 μ माइनस डीपी बाय डीएक्स इनटू बी स्क्वायर, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो डिस्चार्ज को क्या मैं इस वेलोसिटी के टर्म में लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, यहां पर है 8, यहां पर है 12, तो ये क्या बना, यू मैक्स को कैसे मल्टीप्लाई करूं, यू मैक्स को मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, सो 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्स, यही है वैल्यू, सो 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्स इंटू वॉट बी, तो ये क्या आ गई हमारी, सो इट इज 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्स इंटू बी। यही डिस्चार्ज में एवरेज वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी के टर्म में, गया, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं, सो यू वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्स इनटू बी, ये हमारी पहली रिलेशनशिप। नेक्स्ट ऑल्सो क्यू इज इक्वल टू वॉट, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी एवरेज, सो ए इंटू वी एवरेज, सो ए इंटू वी एवरेज, एरिया कितना है, एरिया है हमारा बी इंटू वन, सो बी इंटू वन वी एवरेज, तो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वी एवरेज इंटू बी इज 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्सिमम इंटू बी, बी बी कैंसल आउट हो गया, तो यू एवरेज कितना हुआ, यू एवरेज हुआ 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्सिमम। तो कल कितनी वैल्यू आ रही थी, तो कल एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी थी यू मैक्स का आधा। अब ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, तो अगर मैं रिवीजन कोर्स ही करा रहा होता सही में, मैं आपको डायरेक्टली ये इनपुट दे देता, उसी तरीके से पैरेलल प्लेट में बोलता कि पैरेलल प्लेट के अंदर हमारी एवरेज वेलोसिटी 2/3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, आपको डिराइव करके दिया हुआ, इट इज बीइंग डिराइव्ड। क्लियर है, अच्छा कलम ने एक चीज और निकाली थी, वी हैव फाउंड, हमने ये कैलकुलेट किया था कि कितनी दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप अवर लोकल वेलोसिटी वाज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इट वाज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, R/√2। कलम ने ये भी कैलकुलेट किया था फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप अवर लोकल वेलोसिटी वाज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, अभी भी निकाल सकते हो। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कितनी दूरी पे हमारी लोकल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। क्या कर सकते हो आप, लोकल वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी के बराबर कर सकते हो, कैसे, अब हम करते हैं, हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी के बराबर, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 2/3 ऑफ मैक्सिमम, सो 2/3 ऑफ यू मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू यू, चलो सो 2/3 ऑफ यू मैक्सिमम, यू मैक्सिमम कितना है,
यू मैक्सिमम कितनी थी हमारी, 1/8 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी स्क्वायर. सो दिस इज 2/3 ऑफ यू मैक्सिमम. हमारी वेलोसिटी कितनी निकल के आई यहां पे, अवर वेलोसिटी वॉज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, अवर वेलोसिटी वॉज 1/2 μ माइनस डेल पी बाय डेल एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर. यही वैल्यू है, सिंप्लीफाई कर दो. देखो क्या क्या कटा, व्हाट इज कैंसल्ड आउट, डी पी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स कैंसल आउट हुआ, म्यू और म्यू कैंसल आउट हुआ, ये 2, ये 4, ये 2, ये 2 कैंसल आउट हो गया. सो एवरीथिंग इज एलिमिनेटेड. क्या रिजल्ट बचा हमारा, व्हाट द रिजल्ट बीइंग लेफ्ट आउट, रिजल्ट बचा हमारा बी स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर. अब ये रिजल्ट आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के अंदर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी. इसको अगर सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी. अब मैं आपको बोलूँ y की वैल्यू निकालो तो पता ही है भैया कितना टाइम लगाओगे. मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली इंडिकेटिंग द रिजल्ट. डायरेक्टली अगर रिजल्ट बताऊँ y की वैल्यू कितनी होती है, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द y कम्स आउट टू बी हाउ मच, द वैल्यू ऑफ द y कम्स आउट टू बी b बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 b बाय 6. रूट्स मिल जाएंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. अब जरा चेक करो, अगर ये वैल्यू निकल के आ रही है y की, y कहां से मेजर किया था आपने, y आपने मेजर किया था फ्रॉम द बॉटम, तो y की मेजरमेंट कहां से चल रही थी, बॉटम से चल रही थी. तो b बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 b बाय 6, इसका मतलब पैरेलल प्लेट के सेंटर से ऊपर और नीचे कितनी दूरी पे आपको एवरेज वेलोसिटी लोकल वेलोसिटी के बराबर मिलेगी, प्लस माइनस रूट 3 बी बाय 6. अब जो चीज यहां पे लिखी हुई है इसको डायग्राम के फॉर्म में बता देता हूं, जो चीज यहां पे लिखी हुई है इसको डायग्राम के फॉर्म में बता देता हूं. ये लो डायग्राम के फॉर्म में, ये कैलकुलेट कर लिया हमने. सो y इज इक्वल टू बी बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 बी बाय 6. इसका मतलब बी बाय 2 तक तो आप सेंटर पे पहुंच गए, सेंटर से ऊपर और नीचे कितना गए, सेंटर से ऊपर और नीचे गए रूट 3 बी बाय 6. और यहां पर आपको जो लोकल वेलोसिटी है वो किसके बराबर मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के बराबर मिल जाएगी. सो यार लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. क्लियर है डिफरेंस क्या है एवरेज और लोकल में. भैया एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बना भी हुआ डायग्राम में, दोनों चीजें बनी हुई है. भाई तुम अब आके बोल रहे हो एवरेज वेलोसिटी पूरे सेक्शन के अक्रॉस कांस्टेंट मानी जाती है, ये एवरेज वेलोसिटी पूरे सेक्शन के अक्रॉस कांस्टेंट है. सो दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी. लोकल वेलोसिटी का मतलब एक्चुअल वेलोसिटी. ए गजब लोग हैं, ये हमारी लोकल वेलोसिटी है, ये तो वेरी कर रही है. तो जो लोकल वेलोसिटी है वो तो हर सेक्शन पे अलग अलग है, पर जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो तो अक्रॉस ही सेक्शन आपने कांस्टेंट मानी हुई है. और अगर ये सवाल पूछ रहे हो यहां पे आके, इसका मतलब क्लासें लगा नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं है. आज लगाओगे क्लास, कल वापस गायब हो जाओगे. Clear? So in the yesterday's class, we have discussed that in the case of the pipe, local velocity is equal to average velocity at a distance of r by root 2 from the center of the pipe. Here we have discussed in case of the parallel plate, local velocity is equal to average velocity at a distance of plus minus root 3 b by 6 on either side. Center se upar bhi, center se niche bhi. Clear? चलो तो ये पैरेलल प्लेट खत्म हुआ, दिस इज द पैरेलल प्लेट विच वी हैव फिनिश्ड. अब इस पैरेलल प्लेट को एक लेवल और आगे लेके जाते हैं. अभी तक जो दोनों पैरेलल प्लेट थी मेरी स्टेशनरी थी, पीछे डिराइव जब किया था पीछे हमने दोनों प्लेट्स को क्या लिया था,
पीछे हमने दोनों प्लेट्स को क्या लिया था, स्टेशनरी लिया था, क्लियर है, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब मैं दोनों में से एक प्लेट को मूव करा रहा हूं और ये स्पेशल टाइप ऑफ केस है जिसको हम कुट्टी फ्लो बोलते हैं। फिर से नाम ध्यान रखना, पीछे वाला क्या था, हेलेशॉ फ्लो, दोनों प्लेट स्टेशनरी थी। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ हेलेशॉ फ्लो है जिसमें एक प्लेट क्या करने लग जाती है, जिसमें एक प्लेट मूव करने लग जाती है, इन वन ऑफ द प्लेट इज मूविंग, तो ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट और नीचे वाली प्लेट क्या है, स्टेशनरी है। तो नीचे वाली प्लेट क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो पीछे रिलेशनशिप आपने निकाली थी वेलोसिटी की, उसमें बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, द बाउंड्री कंडीशंस विल चेंज। क्या रिलेशन निकाली थी आपने वेलोसिटी की, दिस वाज द रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी, ये रिलेशनशिप निकली थी हमारी वेलोसिटी की। और पिछले वाले केस में मैंने क्या बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, मैंने बोला था एट y इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, पिछले वाले केस में। फिर मैंने ये बोला था एट y इक्वल्स टू b वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, ये पिछला वाला केस था। अब जो हम केस कर रहे हैं, जब y की वैल्यू जीरो है, प्लेट स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो, यानी ये कंडीशन वैलिड, ये कंडीशन वैलिड, यानी अभी भी c2 कितना होगा, जीरो होगा। पर अब चेंज क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू b वेलोसिटी कितनी है हमारी, v नॉट, इट इज नॉट जीरो, तो अब ये जीरो हट जाएगा यहां से, सो नाउ इट विल बी इक्वल टू v नॉट। तो बस एक यही चेंज है। तो पिछले वाले केस में आपने जो बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, उस बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दो। अब अगर ये बाउंड्री कंडीशन डालूंगा, मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे c1 की वैल्यू मिल जाएगी, आई गेट दी वैल्यू ऑफ c1। तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो यहां पे क्या पुट करोगे, v नॉट 1 अपॉन 2 म्यू माइनस dp बाय dx, y की वैल्यू b, c1 इंटू y की वैल्यू b, फ्रॉम हेयर वील गेट दी वैल्यू ऑफ c1। यहां पे c1 की वैल्यू आएगी, c1 की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वेरिएशन आ जाएगी, यू विल गेट द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। सो इन कुट्टी फ्लो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी कमिंग आउट, इन कुट्टी फ्लो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी कमिंग आउट, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी पैराबोलिक, फिर से ये पैराबोलिक आ रही है। पर फर्क है, इस बार दोनों प्लेट्स पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है। नीचे वाली प्लेट पे तो वेलोसिटी जीरो है, पर ऊपर वाली प्लेट पे वेलोसिटी वी नॉट के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। और नो स्लिप कंडीशन क्या बोलती है, कि हमारे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड बाउंड्री के कॉन्टेक्ट में है, उनकी वेलोसिटी सॉलिड बाउंड्री की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वेरिएशन को शो करूं, चेक करो, वेरिएशन तो पैराबोलिक ही है, नीचे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, पर ऊपर वाली प्लेट पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, बस यही फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। इस बार भी शियर स्ट्रेस क्या निकल के आएगा, लीनियर ही निकल के आएगा, हेयर ऑल्सो द वेरिएशन ऑफ द शियर स्ट्रेस विल बी लीनियर। कैसे निकालोगे, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, वेलोसिटी लिखी हुई है, इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में। सो अगेन दिस इज द वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस, वेरिएशन कैसे आ रही है शेयर स्ट्रेस की, लीनियर आ रही है, तो वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस इज लीनियर। पर रिलेशनशिप बदल गई है, वेरिएशन हेलेशॉ में भी क्या थी, लीनियर थी, वेरिएशन कुट्टी फ्लो में भी क्या है, लीनियर है, पर उस लीनियर रिलेशनशिप में डिफरेंस है। पीछे भी वेलोसिटी पैराबोलिक, अभी भी वेलोसिटी पैराबोलिक, पर वेलोसिटी की वेरिएशन में डिफरेंस है। तो पैरेलल प्लेट में दो केसेस कराए हैं आपको, एक हेलेशॉ और दूसरा कुट्टी फ्लो। मैक्सिमम वेलोसिटी शेयर स्ट्रेस इज जीरो, हाँ, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है शेयर स्ट्रेस जीरो है, दिख भी रहा है डायग्राम से, पीछे वाले दोनों केसेस में भी ऐसा ही था, इन द प्रीवियस केस ऑल्सो इट वॉज बींग शोन।
क्लियर है? सारे रिप्लाई भी कर दिए आप लोगों के। आगे चलिए भैया, रिप्लाई भी तो करूँ ना जो डाउट पूछ रहे हैं। चलो देखो क्या सवाल है। सो प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ लेमिनार फ्लो बिटवीन टू फिक्स प्लेट हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस डी, दी शियर स्ट्रेस इज। सो लेमिनार फ्लो बिटवीन टू फिक्स प्लेट्स, तो लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, दो फिक्स प्लेट हैं, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है, डिस्टेंस डी है दोनों के बीच में, दी शेयर स्ट्रेस है, यानी शेयर स्ट्रेस की बात पूछ रहा है ये। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम एट प्लेन डी बाय टू अवे फ्रॉम ईच प्लेट, ठीक है, एंड जीरो एट दी प्लेट बाउंड्रीज, होती क्या शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन? तो ये हमारे शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन है। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम एट प्लेन डी बाय टू, तो डी बाय टू दोनों के बीच की दूरी डी है और ये हमारा डी बाय टू है, दिस इज डी बाय टू, तो गलत स्टेटमेंट है। जीरो थ्रू आउट द पैसेज, गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम एट दी प्लेट बाउंड्रीज एंड जीरो एट दी प्लेन डी बाय टू अवे फ्रॉम दी ईच अदर, यही है, यही हमारा टॉ मैक्सिमम है, दिस इज टॉ मैक्सिमम। और सेंटर पे कितनी है? सेंटर पे जीरो है, तो सेंटर पे जीरो है, तो उसका मतलब आंसर क्या है हमारा? थ्री। सो आंसर इज थ्री। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो बिटवीन द टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, फिर से पैराबोलिक है, इज कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, नहीं, इट जीरो एट द प्लेट, जीरो एट द प्लेट एंड इंक्रीजेस लीनियरली, लीनियरली नहीं होगा, इट वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, सही बात है, इज जीरो इन द मिडल, जीरो इन द मिडल गलत है, तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? आंसर क्या आ रहा है हमारा? सी आ रहा है। तो पैरेलल प्लेट है, वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? वेलोसिटी वेरी करती है पैराबोलिकली, सो वेलोसिटी वेरी इज पैराबोलिकली। सो वेलोसिटी वेरी इज पैराबोलिकली। नेक्स्ट, अगला पार्ट। तो अभी हमने पैरेलल प्लेट में क्या क्या निकाल लिया, अगर वापस से रिकॉल करें अभी तक पैरेलल प्लेट के बारे में, इन पैरेलल प्लेट्स व्हाट वी हैव कंप्यूटेड, पैरेलल प्लेट में हमने शियर स्ट्रेस की वेरिएशन निकाल ली, पैरेलल प्लेट में हमने वेलोसिटी की वेरिएशन निकाल ली, पैरेलल प्लेट में हमने डिस्चार्ज निकाल लिया, वी हैव फाउंड द डिस्चार्ज। पैरेलल प्लेट में भी दो केसेस किए हमने, एक हेलेशॉ फ्लो किया और एक हमने कुट्टी फ्लो कर दिया, वन इज कुट्टी फ्लो, वन इज हेलेशॉ फ्लो। अब और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कल भी हमने हेड लॉस निकाला था, इन द यस्टरडेज क्लास ऑल्सो वी हैव फाउंड द हेड लॉस, तो सेम वो हेड लॉस अब कैलकुलेट कर रहे हैं। सो लॉस ऑफ हेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, सो लॉस ऑफ हेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल प्लेट के बीच में। जो एनालिसिस कल करी थी वही एनालिसिस आज भी निकल के आएगी, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस विल बी कैरिड आउट, जैसे कल कैलकुलेट किया था वैसे ही आज कैलकुलेट होगा। कैसे? हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? टू थर्ड ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? वन बाय एट म्यू माइनस जीपी बाय डी एक्स इंटू बी स्क्वायर, वन बाय एट इंटू टू बाय थ्री कम्स आउट टू बी हाउ मच? कम्स आउट टू बी हाउ मच? वन बाय ट्वेल्व म्यू माइनस जीपी बाय डी एक्स इंटू बी स्क्वायर, यही है। चलो तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई। डीपी बाय डीएक्स कल बताया था इसके बारे में, डीपी मींस व्हाट? सो डीपी बाय डीएक्स इसका मतलब पी टू माइनस पी वन बाय एल, यही है, चेंज इन प्रेशर, फाइनल माइनस इनिशियल, पर आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो डीपी बाय डीएक्स क्या होगा? डीपी बाय डीएक्स होगा पी वन माइनस पी टू बाय एल, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? पी वन माइनस पी टू बाय एल, तो सेम चीज लिखी हुई है। सो वन अपॉन ट्वेल्व म्यू माइनस डीपी बाय डीएक्स को क्या लिख दिया? पी वन माइनस पी टू बाय एल इंटू बी स्क्वायर। यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? फ्रॉम हेयर व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड? चेंज इन प्रेशर इज हाउ मच? तो ये पी वन माइनस पी टू कैलकुलेट किया था कल, गामा इंटू एच एल, सो गामा इंटू एच एल, तो दी यस्टरडेज क्लास वी हैव फाउंड पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू व्हाट? गामा इंटू एच एल, जो हेड लॉस है हमारा, तो P1 माइनस P2 को क्या लिख दिया? गामा इंटू एच एल, बाकी सारी रिलेशनशिप वही है। यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया? हेड लॉस कैलकुलेट कर लिया। फ्रॉम हेयर वी हैव फाउंड द हेड लॉस, सो हेड लॉस इज इक्वल टू 12 म्यू वी एल अपॉन गामा बी स्क्वायर। क्लियर है चीज?
आप वेलोसिटी को किसके टर्म में लिख सकते हो, डिस्चार्ज के टर्म में लिख सकते हो। वेलोसिटी कितनी है हमारी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू वन। तो वेलोसिटी को लिख दिया डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू वन, तो हेड लॉस इज इक्वल टू 12 म्यू क्यू एल अपॉन गामा बी क्यूब। इसका मतलब अगर डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है, हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है, हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल है पैरेलल प्लेट में, वन अपॉन बी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। यही सवाल मैंने आपको कल कराया था, अगर डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है तो हेड लॉस पैरेलल पाइप में किसके प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है तो हेड लॉस पैरेलल पाइप में किसके प्रोपोर्शनल है, वन अपॉन डी फोर के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि कल एक्सप्रेशन क्या निकल के आई थी, अगर कल यहीं पर ही मैं एक्सप्रेशन लिखूं, इन द यस्टरडेज क्लास जब आपने पाइप करी थी कब डिस्चार्ज क्या आया था, व्हाट वाज द डिस्चार्ज कमिंग आउट, डिस्चार्ज की वैल्यू या हेड लॉस की वैल्यू, हेड लॉस वॉज 128 म्यू क्यू, सो 128 म्यू क्यू अपॉन गामा पाई डी फोर इंटू एल, दिस वॉज दी हेड लॉस कमिंग आउट। तो कल हमने ये हेड लॉस निकाला था, तो ये हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल था, हेड लॉस प्रोपोर्शनल था वन अपॉन डी फोर के, अगर डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है। आज किसके प्रोपोर्शनल है, बी क्यूब के। तो मैं आपको रिलेशनशिप भी निकाल के दे रहा हूं कल वाली एनालिसिस में और आज वाली एनालिसिस में, मैं आपको रिलेशनशिप भी निकाल के दे रहा हूं कल वाली एनालिसिस में और आज वाली एनालिसिस के अंदर। क्लियर है? तो आज जो हमारी हेड लॉस है कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज के लिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी क्यूब, कल इट वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं थी बेटा, ये देखो विशाल, डायरेक्टली थोड़ी है बेटा, इनवर्सली है। कल भी इनवर्सली थी, आज भी इनवर्स है, पर कल क्या थी, वन अपॉन डी फोर था, आज है वन अपॉन बी क्यूब पैरेलल प्लेट के अंदर। बाकी रिलेशनशिप तो आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट द प्रॉब्लम, फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2h द हेड लॉस वेरीज एज व्हाट, अभी डिस्कस किया पीछे हमने, हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, सो वन अपॉन बी क्यूब के, तो यानी वन अपॉन बी की जगह क्या है 2h का होल क्यूब, सो वन अपॉन 8h क्यूब, सो 8h क्यूब, सो इनवर्सली एज एच क्यूब, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर है पूरी कहानी, एच एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन डिवाइड बाय एच क्यूब, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो वी हैव फाउंड शेयर, वी हैव फाउंड वेलोसिटी, वी हैव फाउंड डिस्चार्ज, वी हैव फाउंड हेड लॉस। अगली चीज क्या निकाली थी हमने, व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमने पावर कंजप्शन भी निकाली थी कि फ्लो कराने के लिए कितने पावर की रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फ्लो हाउ मच ऑफ द पावर इज रिक्वायर्ड, दैट वॉज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन द यस्टरडेज क्लास, उस चीज को भी हमने कैलकुलेट किया था। सेम कहानी है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन, जनरल बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेट पावर इनपुट की, आपको कितना पावर देना पड़ेगा पर यूनिट वॉल्यूम टू कैरी आउट द लेमिनार फ्लो। अब एक जनरल चीज कर रहे हैं, वैलिड फॉर बोथ पाइप, वैलिड फॉर बोथ एंड पैरेलल प्लेट, तो पाइप के लिए भी वैलिड है और पैरेलल प्लेट के लिए भी वैलिड है, तो दोनों के लिए एप्लीकेशन साथ चल रही है। अब हम कह रहे हैं कितनी पावर आपको देनी पड़ेगी पर यूनिट वॉल्यूम, सो नेट पावर विच इज रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने पावर की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, सो नेट पावर रिक्वायर्ड फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय टाओ डी यू बाय डी वाई। अब ध्यान रखना टाओ डी यू बाय डी वाई है, और हमारी जो शेयर स्ट्रेस है वो किसके बराबर होती है, शेयर स्ट्रेस होती है म्यू डी यू बाय डी वाई के। अवर शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डी यू बाय डी वाई। तो अगर मैं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डालू म्यू
डी यू बाई डी वाई, और डी यू बाई डी वाई पहले लिखा हुआ था तो क्या बन गया, डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर बन गया। और क्या तरीका लिखने का, डी यू बाई डी वाई किसके बराबर है, शेयर बाय म्यू के, तो शेयर बाय म्यू के, और शेयर पहले से था तो शेयर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू। तो नेट पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय शेयर स्ट्रेस इनटू डी यू बाय डी वाई। अब इसको आप दो और तरीकों से लिख सकते हो, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में और एक शेयर स्ट्रेस के टर्म में। तो अगर मैं सर्कुलर पाइप के लिए कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट दिस फॉर सर्कुलर पाइप, तो फॉर सर्कुलर पाइप नेट पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम म्यू डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर। सर्कुलर पाइप के लिए वेलोसिटी क्या होती है, u इज इक्वल टू यू मैक्स वन माइनस छोटा आर स्क्वायर बाय बड़ा आर स्क्वायर, यही वैल्यू निकल के आती है। तो छोटा आर स्क्वायर बाय बड़ा आर स्क्वायर, नाउ व्हाट कैन बी डन, अब क्या निकाल सकते हो आप, अब आप डी यू बाई डी वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। डी यू बाई डी वाई की वैल्यू निकालो, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट कर दो। सो डी यू बाई डी वाई, सो डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू वॉट, डी यू बाई डी आर। कोई बताएगा मैंने ये रिलेशनशिप कैसे लिखी, जिन लोगों ने कल क्लास लगाई होगी उनको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी कि डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई। क्यों, हमें पता है पाइप के अंदर वाई प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो डी वाई प्लस डी आर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी आर। डी वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस टाइम्स ऑफ डी आर के बराबर होती है, तो इट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, यू कैन डिफरेंशिएट दिस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं किसके बराबर आता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो यू मैक्स, आगे माइनस साइन भी है ध्यान रखना, सो इसको डिफरेंशिएट किया, सो टू आर, पहली वाली टर्म तो जीरो, टू आर, सो आएगा टू आर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस साइन है यहां पर भी माइनस साइन है, कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल गेट कैंसल आउट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी यू बाई डी वाई की, म्यू डी यू बाई डी वाई, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो इसका होल स्क्वायर किया तो यू मैक्स का होल स्क्वायर, टू आर का होल स्क्वायर यानी फोर छोटा आर स्क्वायर, कैपिटल आर का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर आर की पावर फोर। इसका मतलब दिस इज द नेट पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली सवाल मिलेंगे इसके ऊपर, इट इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यू विल डायरेक्टली गेट द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सो इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप नेट पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर म्यू यू मैक्स का होल स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर बड़ा बाय आर की पावर फोर। ऐसे ही आप पैरेलल प्लेट के लिए भी निकाल सकते हो, ऑन द सेम लाइंस यू कैन कैलकुलेट दिस फॉर पैरेलल प्लेट ऑल्सो। दिस कंप्लीट योर लेमिनार फ्लो, यहां पे आ गया आपका लेमिनार फ्लो कंप्लीट हो गया। नोट्स मैंने सारे शेयर कर दिए ग्रुप के ऊपर, वहां से उठा सकते हो, ऑल दी नोट्स आर बीइंग शेयर्ड ऑन दी ग्रुप, यू कैन डायरेक्टली पिक इट अप फ्रॉम हियर। तो आज जो भी चैप्टर है हमारा, ये कौन सा चैप्टर है, मेरे ख्याल से नाइन्थ चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर तक के नोट्स मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए। क्लियर है, चलो, सो लेमिनार फ्लो इज फिनिश्ड, सवाल देख लो इसके ऊपर, यू कैन सी दी प्रॉब्लम्स ऑन दिस, प्रॉब्लम देख लो इसके ऊपर क्या पूछ रहा है। पहला सवाल, सो फर्स्ट प्रॉब्लम, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन। सो नेवियर स्टोक इक्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नेवियर स्टोक इक्वेशन कहां पे लगती है, बताई थी नेवियर स्टोक इक्वेशन, नेवियर स्टोक इक्वेशन कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर किए जाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी आपको, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं, वॉट आर दी फोर्सेज बींग कंसिडर्ड इन नेवियर स्टोक, पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स प्रेशर फोर्स, और तीसरा फोर्स यूलर। नेवियर स्टोक इक्वेशन क्या आती है, यूलर में आ जाती है, भाई क्या बोलने लग जाते हो, नेवियर स्टोक्स में कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर करते हैं, प्रेशर और ग्रेविटी यूलर्स में कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी प्रेशर विस्कोसिटी, ये देखो अमन ने बताया बिल्कुल सही, अमन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये तीन फोर्स कंसिडर करते हैं,
ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स एंड प्रेशर फोर्स. यूलर्स में सिर्फ ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स कंसिडर किए जाते हैं. तो ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. तो एक एक पॉइंट डिस्कस किया है मैंने क्लास के अंदर. मतलब अगर इतना सा भी करके चले जाओगे ना, मेरे हिसाब से ऐसा कोई सवाल नहीं है जो नहीं बना पाओ. सब कुछ करा रखा है मैंने आपको, एवरी पॉइंट इज बिंग डिस्कस्ड. तो बोल रहा है फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. अब बोल रहा है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन कहां का लग जाती है. इट इज एप्लीकेबल वेयर लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप, काम कर जाएगी. ये फोर्सेज है, इंक्लाइंड पाइप थी, कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, ग्रेविटी, फिर और कौन सा फोर्स लग रहा था, विस्कस, शेयर फोर्स और प्रेशर फोर्स. तो काम करेगी लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप, बिल्कुल सही बात है. लेमिनार फ्लो बिटवीन दी कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग सिलेंडर, बिल्कुल सही बात है, काम करेगी. यही तीन फोर्स काम करेंगे वहां पे भी. लेमिनार यूनी डायरेक्शन फ्लो बिटवीन दी स्टेशनरी पैरेलल प्लेट, बिल्कुल सही बात है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पैरेलल प्लेट के बीच में. यही फोर्सेज है, ग्रेविटी है, विस्कस है और प्रेशर फोर्स है. लेमिनार यूनी डायरेक्शन फ्लो बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स हैविंग रिलेटिव मोशन, क्या बोलते हैं इसको, ये कुट्टी फ्लो और ये हेलेशो फ्लो. तो ये कुट्टी फ्लो और ये हेलेशो फ्लो तो सबके लिए काम करती है. तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सबके लिए काम कर जाएगी. क्लियर है? सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सो एप्लीकेबल फॉर ऑल. आगे बढ़ो. नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैच लिस्ट वन प्रिंसिपल लिस्ट टू अफेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. लिस्ट वन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, लिस्ट टू में आपको अफेक्ट दिया हुआ है, एंड लिस्ट टू अफेक्ट्स आर गिवन टू यू, एंड फाइंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. जो भी कोड दिया हुआ है आपको, जो भी लिस्ट दी हुई है आपको, उसमें से आपको चीजें सेलेक्ट करके बतानी है. देख लो क्या आ रहा है. पहला आ रहा है हेलेशो फ्लो, द फर्स्ट ऑफ द फ्लो इज हेलेशो फ्लो. हेलेशो फ्लो आज ही डिस्कस किया. तो हेलेशो फ्लो, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, सेटिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स, लेमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट, यही होता है. तो लेमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट. देन स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ से क्या निकलती है, एनवायरनमेंट में क्या था आपने, सेटलिंग लॉ से निकलती है. तो सेटिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स, सो सेटिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स. हैगन-पोइसले फ्लो, हैगन-पोइसले इक्वेशन निकाली थी हमने. हैगन-पोइसले इक्वेशन क्या थी, डिस्चार्ज बता रहा था हमें. तो लेमिनार फ्लो जो थी हमारे पाइप के अंदर, वहां से डिस्चार्ज कैलकुलेट करी थी. तो हैगन-पोइसले फ्लो, सो लेमिनार फ्लो इन ट्यूब्स. पास्कल्स लॉ करके आए हो दूसरे चैप्टर के अंदर, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर. देखो कितने चैप्टर आ गए इसके अंदर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड, सारे चैप्टर ही आ गए. तो एक दो तीन, तीन चैप्टर इंक्लूडेड है इसके अंदर. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी. चलो देखो नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है. नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज द प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू व्हाट. जो प्रेशर ग्रेडियंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर किसके बराबर होती है. द प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू व्हाट, कैलकुलेट किया आज हमने. जो प्रेशर ग्रेडियंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अंदर, इट इज इक्वल टू व्हाट. प्रेशर को शेयर से रिलेट कर रहा है, तो प्रेशर इज बीइंग रिलेटेड विद द शेयर. तो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सो डेल पी बाय डेल एक्स किसके बराबर होता है, डी टो बाय डी वाई के बराबर होता है. सो शेयर ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो शेयर ग्रेडियंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नो, डी टो बाय डी वाई. शेयर ग्रेडियंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये हमारा फ्लो हो रहा है, ये एक्स है, ये वाई है. तो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज इक्वल टू शेयर ग्रेडियंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो आज ही डिस्कस किया इसको हमने, टुडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड. तो डीपी बाय डी एक्स इसके बराबर निकाली थी, इट वॉज इक्वल टू वॉट, डी टो बाय डी वाई. तो बी आंसर आ गया. अभी तो मैंने आज ही डिस्कस किया है, ये आपको पेपर तक याद रखना है. तो इसलिए एक एक रिलेशनशिप जो आपको डिराइव करके दी है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट. तो जो भी रिलेशनशिप आपको डिराइव करके दी है, ये बताने का तरीका है कि भैया सवाल पूछेगा वो आपसे इसके ऊपर, यू विल आस्क द प्रॉब्लम.
नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लेमिनार, इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लेमिनार फ्लो इज पैराबोलिक देन द शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल मस्ट बी, बिल्कुल बता सकते हो। तो वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है, शेयर क्या होती है म्यू डी यू बाय डी वाई, तो शेयर क्या आ जाएगी, शेयर प्रोफाइल कैसी आ जाएगी हमारी, शेयर प्रोफाइल आ जाएगी हमारी लीनियर, तो ये हमारी लीनियर वेरिएशन हो जाएगी, क्लियर है, तो ये हमारी लीनियर वेरिएशन हो जाएगी, सो दिस विल बी द लीनियर वेरिएशन। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज इन द इक्वेशन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज विच इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाय टू जी डी फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप द टर्म वी मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज गिवन बाय, सो टर्म वी मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज गिवन बाय पी वन माइनस पी टू आर स्क्वायर अपॉन एट म्यू एल, ठीक है। द टर्म फ्रिक्शन फैक्टर इन द अबव इक्वेशन इज इक्वल टू 64 बाय आर ई वेयर आर ई इज द रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर है और फ्लो हमारा लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है, सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने डिराइव किया हुआ है पीछे, दिस वी हैव डिराइव्ड, इसको हमने डिराइव कर रखा है, तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो भी सही है, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है, तो क्या दूसरी वाली स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है क्या, इस सेकंड स्टेटमेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहली बात भी सही बोल रहा है, दूसरी बात भी सही बोल रहा है, इनफैक्ट इसको डिराइव करके दे रखा है मैंने आपको, आई हैव डिराइव दिस, तो सर्कुलर पाइप के अंदर हमने ये कैलकुलेशन कर रखी है, यू हैव डन दिस कैलकुलेशन, तो हमने किसको निकाल रखा है, हमने निकाल रखा है वी को, तो वी की वैल्यू कितनी थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वी, या ध्यान रखना आर स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको डी स्क्वायर के टर्म में लिखा था, मैंने चीज आपको डी स्क्वायर के टर्म में लिखवाई थी, पी वन माइनस पी टू कितना बताया था, पाइप के अंदर P1 माइनस P2 कितनी आई थी, P1 माइनस P2 आई थी 32 म्यू V, सो 32 म्यू V इंटू एल बाय, सो एल बाय डी स्क्वायर, सो एल बाय डी स्क्वायर, तो P1 माइनस P2, अगर ये डी स्क्वायर है मुझे इसको R के टर्म में लिखना है, तो इसके R के टर्म में लिखूंगा तो चार आएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा, सो एट म्यू वी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो यही तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू अपॉन एट म्यू एल इंटू आर स्क्वायर, तो सेम एक्सप्रेशन, तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, पर दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, पर दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है सर्शन का, एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है, थ्योरी पढ़ो, हर चीज का सॉल्यूशन आपकी थ्योरी में, तो जिस भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है थ्योरी पढ़ लो उसकी, प्रॉब्लम इज सॉल्व, अरे ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस ही तो हैं और क्या है,
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉर लेमिनार फ्लो इन अ पाइप कैरिंग अ गिवन डिस्चार्ज द हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस इज डबल्ड। इन सच केस द डार्सी वेबेक फ्रिक्शन फैक्टर विल बी। लेमिनार फ्लो है, डिस्चार्ज कैरी कर रही है, द हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस इज डबल्ड। इन सच केस डार्सी वेबेक फ्रिक्शन फैक्टर विल बी। बताओ, लेमिनार फ्लो है, फ्लो इज लेमिनार, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। अरे भाई लेमिनार फ्लो है, रफनेस का कोई रोल ही नहीं है। आंसर भी बता रहे हैं इंक्रीज फोर फोल्ड। गजब भैया, ये कब बता दिया आपको सरफेस की रफनेस का इंपैक्ट? लेमिनार फ्लो के अंदर सरफेस की रफनेस का इंपैक्ट कहां देख लिया आपने? भैया वो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर होता है। सवाल चल रहा है किसका? लेमिनार फ्लो का। और सरफेस की रफनेस का इंपैक्ट भी बता रहे हैं किसमें? फ्रिक्शन फैक्टर के अंदर। गजब बात है भाई, जो चीज डिस्कस करी है उसी के ऊपर तो सवाल पूछूंगा भैया। ये तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64/RE। भाई कोई रफनेस का रोल ही नहीं है यहाँ पे। अभी टर्बुलेंट फ्लो कहाँ है? फ्लो ध्यान रखने हैं आपको, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द फ्लो। वो घुमा देगा इसके अंदर जाके। अभी तो टर्बुलेंट फ्लो आया नहीं, अभी करेंगे टर्बुलेंट फ्लो आगे। तो लेमिनार फ्लो में हमारा फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंडेंट है सिर्फ किसके ऊपर? रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर। कोई रोल नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो रोल ऑफ द सरफेस रफनेस। क्लियर? चलिए आगे, देखो अगला सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया। द शियर स्ट्रेस इन अ फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप की बात कर रहा है। कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, मैक्सिमम एट द पाइप वॉल। सही बात है। वेरिएशन कैसी है शियर की? तो वेरिएशन कैसे है शेयर की? दिस इज द वेरिएशन ऑफ द शेयर। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द शेयर। तो आंसर इज सी, मैक्सिमम एट द पाइप सेंटर लाइन। गलत बात है, सो इट इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हेगन पोस्ले फ्लो ऑफ इसकस लिक्विड वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस स्ट्राइक अ बैलेंस। तो हेगन पोस्ले इक्वेशन कहां निकालते हो? निकाली थी वो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया था हमने पाइप के अंदर। तो पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज की जो इक्वेशन होती है उसको हैगन पोस्ले इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज टर्म्ड एज हैगन पोस्ले इक्वेशन। जब उस हैगन पोस्ले इक्वेशन में डिस्चार्ज और वेलोसिटी आपने निकाली, क्या किया था आपने? व्हाट यू हैव डन, कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व थे उसके अंदर? ये कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व थे इन हैगन पोस्ले इक्वेशन? व्हाट वर द फोर्सेज इन्वॉल्व? प्रेशर, विस्कस और ग्रेविटी, ये तीन फोर्सेस थे। दीज वर द थ्री फोर्सेस। पर जब आपने हैगन पोस्ले इक्वेशन निकाली उस समय आपने पाइप कैसे ले ली थी? तीन फोर्सेस लगी हुई थी, ग्रेविटी, विस्कस, प्रेशर। पर हैगन पोस्ले इक्वेशन के अंदर पाइप कैसी थी आपकी? हॉरिजॉन्टल थी। क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल थी, किसका इफेक्ट नहीं था? सिंस द पाइप वॉज हॉरिजॉन्टल देर वॉज नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं था, इसलिए कौन कौन से फोर्स बच गए हमारे? भैया विस्कस फोर्स बच गया, प्रेशर फोर्स बच गया। तो एक विस्कस फोर्स बच गई और एक प्रेशर फोर्स बच गई। तो प्रेशर एंड विस्कस फोर्सेस। तो इसलिए सारे फोर्सेस ध्यान रखने हैं, सारी डेरिवेशन ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इतना सिंपल टॉपिक है, सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं, कोई चीज इधर उधर से नहीं आती है, ही नहीं कुछ इसके अंदर पूछने के लिए। बस आपको सारी कंडीशन ध्यान रखनी है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन द फ्लूइड फ्लो आर। प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशन पूछ रहा है। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? कल बताया था dP/dx। ये क्या है हमारी? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बताई थी। तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यही है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो निकाल लो फोर्स की यूनिट। फोर्स क्या है हमारा, या प्रेशर से भी निकाल सकते हो। तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास इंटू एक्सेलरेशन टू द वॉल्यूम। तो मास का आ गया m, एक्सेलरेशन का आ गया L/T², वॉल्यूम का आ गया L³। तो मास फिर क्या बना? T^-2, L^-2 आ गया। सो मास T^-2, L^-2।
क्लियर है? एम जीरो, एम जीरो कहां से आ गया नजीम? क्लियर है? हो गया गलत, हो गया क्या गलत हो गया भाई? हो गया, चलो कोई बात नहीं। एम जीरो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। फॉर अ स्टडी इन कंप्रेसिबल लेमिनार फ्लो बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट द शियर स्ट्रेस वेरिएशन इज। सो फॉर अ स्टडी इन कंप्रेसिबल लेमिनार फ्लो बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट द शियर स्ट्रेस वेरिएशन। पहली बात, स्टडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है, लेमिनार है, दो इनफाइनाइट पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स हैं, स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है। शियर स्ट्रेस वेरिएशन, लीनियर विद जीरो वैल्यू एट द प्लेट, लीनियर विद जीरो वैल्यू एट द प्लेट, गलत बात है। लीनियर विद जीरो वैल्यू एट द सेंटर, सही बात है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, गलत बात है। सो इनकरेक्ट। सो दिस कंप्लीट्स योर लेमिनार फ्लो। यहां पर आपका लेमिनार फ्लो खत्म हो गया। सो हियर लेमिनार फ्लो इज कंप्लीटेड। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लेमिनार फ्लो इज बीइंग कंप्लीटेड। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो। सो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, लेमिनार फ्लो की। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टर्बुलेंट फ्लो। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टर्बुलेंट फ्लो। तो कल इसको भी फिनिश कर देंगे, टुमारो विल फिनिश ऑफ दिस टर्बुलेंट फ्लो ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है इसके बाद। तो इसके बाद एक बाउंड्री लेयर बची हुई है, आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद द बाउंड्री लेयर। एक चैप्टर वो है, दूसरा चैप्टर है हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का, डायमेंशन एनालिसिस। उसके बाद हमारा बचा हुआ है, डायमेंशन एनालिसिस के बाद बचा हुआ है हमारे पास ड्रैग और लिफ्ट। सो आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद ड्रैग एंड लिफ्ट। तो तीन चैप्टर बचे हैं इसके बाद, अब आपके तीन चैप्टर मतलब छः दिन और। सो खत्म आपका पूरा एफएम, योर फ्लूइड मैकेनिक्स विल बी फिनिश्ड। आपकी एफएम खत्म हो जाएगी इसके बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमने लेमिनार फ्लो स्टार्ट किया था, व्हेन वी हैव स्टार्टेड लेमिनार फ्लो, वहीं पर ही हमने टर्बुलेंट फ्लो की बात भी करी थी, वहीं पर हमने टर्बुलेंट फ्लो की बात भी करी थी। क्या था लेमिनार फ्लो? लेमिनार फ्लो वॉज टाइप ऑफ फ्लो। लेमिनार फ्लो वो फ्लो है इन विच वन लेयर ऑफ द फ्लूइड
स्लिप पास ओवर द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड. एक लेयर के मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर में जाके मिक्स नहीं होते. इट मींस देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर. कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता. जो भी रेजिस्टेंस होती है किसकी वजह से होती है? विस्कोसिटी की वजह से होती है. व्हाटएवर रेजिस्टेंस इज देयर इट्स बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी. इसके अपोजिट हमने टर्बुलेंट फ्लो की बात करी थी. टर्बुलेंट फ्लो किसकी वजह से होती है? टर्बुलेंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. टर्बुलेंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो किसकी वजह से आता है? टर्बुलेंट फ्लो इज ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ लेमिनार फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो किसकी वजह से डेवलप होती है? अगर आपका लेमिनार फ्लो अनस्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाए मतलब, इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. ये हमारे लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे लिक्विड का दूसरा मॉलिक्यूल है. लेमिनार फ्लो में ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे? स्लिप कर रहे थे, एक दूसरे से नहीं टकरा रहे थे. कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं था, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं था. पर अगर इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास लेटरल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाए, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास लेटरल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट आ जाए, इसको मैं बोल दूंगा अनस्टेबिलिटी. इसको टेक्निकली क्या बोल देंगे? अनस्टेबिलिटी बोल देंगे. तो अगर ये अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाए, इसका मतलब इंटरमिक्सिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी. तो आप बोल सकते हो कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ द लेमिनार फ्लो की वजह से होता है. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो मैंने आपको लेटरल डायरेक्शन के अंदर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट बताए हैं, ये जो मैंने आपको लेटरल डायरेक्शन के अंदर या ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट बताए हैं, इसको टेक्निकली और क्या बोला जाता है? एडीज बोला जाता है. सो दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन और इन लेटरल डायरेक्शन इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? एडीज. इस एडीज की वजह से क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस एडीज मोमेंटम ट्रांसफर टेक्स प्लेस और एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. सो यू कैन से टर्बुलेंट फ्लो इज द टाइप ऑफ द फ्लो इन विच एडीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ विच मोमेंटम ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस. तो इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से आती है? दो चीजों की वजह से आती है. एक, विस्कोसिटी की वजह से. तो हियर रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? विस्कोसिटी. और दूसरा, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर. तो रेजिस्टेंस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से भी है, रेजिस्टेंस विस्कोसिटी की वजह से भी है. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. अब बात करते हैं कि भैया इस फ्लो को समझे कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो. इस फ्लो को समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, यहां पर क्या होगी? वेलोसिटी वेरी कर रही होगी. सो हियर द वेलोसिटी इज वेरिएबल. यहां पर वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में भी, वेलोसिटी वेरी कर रही है स्पेस के रिस्पेक्ट में भी. सो इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, इट इज बोथ अनस्टेडी, इट इज बोथ नॉन यूनिफॉर्म. इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरिएशन है और स्पेस के रिस्पेक्ट में भी वेरिएशन है. तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप मान सकते हो दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. इसमें दो कॉम्पोनेंट होंगे. एक कॉम्पोनेंट कौन सा? एवरेज वेलोसिटी का. वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड द अदर कॉम्पोनेंट इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी. तो इसका मतलब यह है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? यहां पर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? एक एवरेज वेलोसिटी के बराबर है और एक फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर है. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. तो एक्चुअल में तो क्या है? वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ भी. एक्चुअल में क्या हुआ? वेलोसिटी वेरी कर रही है किसके साथ भी? स्पेस के साथ भी. तो वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑल्सो, वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो. स्पेस के रिस्पेक्ट में बेटा अभी तो बताया एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जाके टकरा गया. ये लो, ये पार्टिकल यहां पे बैठा हुआ है, दूसरा पार्टिकल यहां पे बैठा हुआ है. ये सेक्शन है मेरा 1-1, ये सेक्शन है मेरा 2-2. पार्टिकल जाके टकरा गया दूसरे पार्टिकल से, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? v1. जब ये पार्टिकल यहां पर जाके टकरा जाएगा दूसरे पार्टिकल के साथ, अब इसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v2. द वेलोसिटी बिकम्स v2. तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में भी वेरिएशन है, स्पेस के रिस्पेक्ट में भी वेरिएशन है. तो फ्लो हमारा कैसे हुआ? फ्लो हमारा हो गया अनस्टेडी फ्लो. फ्लो हमारा कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. इस बात को समझने के लिए आपके पास डायग्राम्स अवेलेबल है. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट डायग्राम्स आर अवेलेबल.
इस बात को समझने के लिए डायग्राम्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, टर्बुलेंट फ्लो के। देखो इंटरमिक्सिंग हो रही है लेयर्स की, हाँ बिल्कुल, वाटर डिमांड की तरह ही है, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ वाटर डिमांड इन एनवायरमेंटल। तो फ्लक्चुएशन है, एवरेज के ऊपर और नीचे कितनी वैल्यू है उसको हम फ्लक्चुएशन बोल देते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, तो तीन एग्जाम्पल दिए खा रखे। तो दिस आर द रियल पिक्चर्स, ये रियल पिक्चर्स है हमारे टर्बुलेंट फ्लो की। सो रियल पिक्चर्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, सो रियल पिक्चर्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी के बराबर है और फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर है। सो इट इज इक्वल टू फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द अदर वेलोसिटी। तो ये यू बार इज टेम्पोरल मीन या एवरेज वेलोसिटी, सो इट इज एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट यू डैश इज इक्वल टू फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट हो गया वेलोसिटी का। अच्छा, पीछे वाली क्लास में आपको बताया था, कल ही डिस्कस किया था, पाइप के अंदर फ्लो टर्बुलेंट कब होगा, व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज, पाइप के अंदर फ्लो टर्बुलेंट कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाए, 4000 से ज्यादा हो जाए। और यह भी बताया था ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, फ्लो कब लेमिनार से टर्बुलेंट हो जाएगा इसके लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो फिक्स नहीं है। समझने के लिए हमने 4000 ले लिया है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज 4000। अब किसी पेपर के अंदर 3800 आए तो ये मत बोल देना सर आपने तो 4000 बताया था तो यहां पे 3800 आ गया, ये कैसे हो गया। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी टेकन एज व्हाट, 4000। क्लियर है चीज, चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल इज मच फ्लैटर देन इन द लेमिनार फ्लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है मच फ्लैटर है किससे, लेमिनार फ्लो से। अभी पाइप में आपने लेमिनार फ्लो के अंदर क्या निकाला था, अभी पाइप में जब लेमिनार फ्लो हो रहा था आपने वेलोसिटी की वेरिएशन निकाली थी, क्या निकल के आ रही थी, इट वॉज कमिंग आउट टू बी पैराबोलिक। पर जब आप टर्बुलेंट फ्लो में जाओगे अब वेरिएशन पैराबोलिक नहीं है, पहली बात कैसी है वो अभी निकालेंगे, दैट वील फाइंड। दूसरी बात, ये जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादा फ्लैट है, तो यहां पे कर्वेचर ज्यादा है, यहां पर फ्लैटनेस ज्यादा है, और ये फ्लैटनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाए। तो जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, 2000 से कम रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, 4000, 4000 से ज्यादा, तो जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी प्रोफाइल की फ्लैटनेस क्या करती जा रही है, प्रोफाइल की फ्लैटनेस बढ़ती जा रही है। अब आप बोलोगे सर क्यों बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मोमेंटम ट्रांसफर क्या करती जाएगी, रेनॉल्ड्स नंबर का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी तो वही है, फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट का बढ़ना, फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है इसका मतलब ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं इसका मतलब मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल की फ्लैटनेस ज्यादा। ये सवाल पूछेगा आपसे, ही विल आस्क दिस प्रॉब्लम। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो भी वेलोसिटी की वेरिएशन आती है अभी निकालेंगे कैसी आती है, उसमें फ्लैटनेस आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इन दैट केस ही फ्लैटनेस विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है चीज। अब अगर फ्लैटनेस ज्यादा आ रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं, अगर फ्लैटनेस ज्यादा आ रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट। जरा यह बताना कि एक वेलोसिटी प्रोफाइल ये है और एक वेलोसिटी प्रोफाइल ये है, दिस इज वन ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, एक वेलोसिटी प्रोफाइल ये है, दिस इज मोर फ्लैट, तो ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आई। तो वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आई, जरा एनालाइज करो, एनालाइज दिस सिचुएशन। सो एनालाइज दिस सिचुएशन, अरे भाई इसके लिए डायग्राम आगे बना हुआ है क्या मेरा, हाँ बना हुआ है, ये लो। तो डायग्राम इज बिंग शोन टू यू, यहीं पे डायग्राम में देखो, मैं बना ही नहीं पाऊंगा एक्जैक्टली, आई विल नॉट बी एबल टू शो दी डायग्राम, क्योंकि डायग्राम को जूम करके बनाना था। देखो डायग्राम को जूम करके बनाया हुआ है, पहले केस में लेमिनार फ्लो वेलोसिटी पैराबोलिक, दूसरे केस में टर्बुलेंट फ्लो, फ्लैटनेस दिख रही है आपको, यू कैन सी दी फ्लैटनेस। अब जरा एनालाइज करो, मैंने चेंज इन डेप्थ को कॉन्स्टेंट रखा, डी वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखी, चेंज इन डेप्थ को कॉन्स्टेंट रखा, मुझे एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन लेमिनार फ्लो, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो। जरा बताना चेंज इन वेलोसिटी इज मोर इन विच केस, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो,
चेंज इन वेलोसिटी इन लेमिनार फ्लो, चेंज इन वेलोसिटी इन टर्बुलेंट फ्लो, पर चेंज इन डेप्थ दोनों में कॉन्स्टेंट रखी हुई है। तो दिख रहा है कि टर्बुलेंट फ्लो में चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है, लेमिनार फ्लो में चेंज इन वेलोसिटी कम है, बिकॉज ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व, क्योंकि यहां पे कर्व ज्यादा फ्लैट है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि du by dy ऑफ टर्बुलेंट इज मोर देन व्हाट du by dy ऑफ लेमिनार। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्बुलेंट की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लेमिनार। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो टर्बुलेंट की ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, लेमिनार के कंपैरिजन में। क्लियर है? इसका मतलब ये भी निकल के आया कि जो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस क्या होती है हमारी, शेयर स्ट्रेस होती है म्यू du by dy। तो किसमें आपको शेयर स्ट्रेस बाउंड्री में ज्यादा मिलेगा, लेमिनार में ज्यादा मिलेगा, टर्बुलेंट में ज्यादा मिलेगा। सो वेयर द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस विल कम आउट टू बी मोर इन केस ऑफ लेमिनार और इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर बाउंड्री शेयर स्ट्रेस क्या होती है, ज्यादा होती है और होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर दो कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला कॉम्पोनेंट किसका, विस्कस शेयर का, विस्कोसिटी की वजह से। दूसरा कॉम्पोनेंट किसका, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। तो जो विस्कस शेयर स्ट्रेस है वो विस्कोसिटी की वजह से है, पर जो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस है वो किसकी वजह से है, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। तो हमें लॉजिक भी पता है और मैंने मैथमेटिकली भी आपको बता दिया। सो वी नो द लॉजिक इन्वॉल्व्ड कि भैया ऑब्वियसली बात है कि अगर टर्बुलेंट फ्लो चल रही है हमारी तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है विस्कोसिटी की वजह से भी और मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से भी है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस को मैं शेयर स्ट्रेस बोलता हूं और वही चीज मैथमेटिकली निकल के आ गई, द सेम वी हैव फाउंड मैथमेटिकली। अल्फा बीटा भैया एंगल है, अल्फा बीटा क्या शो कर रहा है, वाह भैया, मतलब ये अल्फा बीटा पूछ रहा है। मैंने आपको ये बताया कि ये है dy और ये है हमारी du, तो बोल रहा है सर अल्फा बीटा क्या शो कर रहा है, अब ये चीज पूछ रहा है ये। भैया ये 90 डिग्री है, ये dy है और ये du है, अल्फा बीटा मार्क कर लो भैया, ये एंगल है मेरा, दिस इज द एंगल विच इज बीइंग शोन टू यू, लिखा भी हुआ है डायग्राम के अंदर, कैन बी सीन इन द डायग्राम ऑल्सो, तो उसमें ही परेशान हो रहे हो आप। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल मेरा अल्फा है, दिस इज माय एंगल। तो du by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट ही तो है मेरी, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो लिखा हुआ है हमारा, तो उसी को अल्फा बीटा बोल दिया। अच्छा, मतलब ये बताना पड़ेगा मुझे ज्यादा एंगल किसमें होगा, मतलब मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दिया, यहां पे अल्फा मार्क करके दे दिया, बीटा मार्क करके दे दिया, और फिर ये पूछ रहा है सर किसमें ज्यादा होगा एंगल। मतलब एंगल मार्क करके दे दिया, यहां पर लिख के दे दिया कि भैया टर्बुलेंट में वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होती है लेमिनार से, और फिर ये पूछ रहा है कि सर किसमें अल्फा बीटा ज्यादा होगी। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो लेमिनार फ्लो के शेयर स्ट्रेस से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे दो कंपोनेंट होते हैं शेयर स्ट्रेस के, एक विस्कोसिटी की वजह से, दूसरा टर्बुलेंस की वजह से। विस्कोसिटी की वजह से उसको मैं बोल दूंगा लेमिनार शेयर स्ट्रेस, और जो टर्बुलेंस की वजह से उसको मैं क्या बोल दूंगा, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। ये हमारा अगला पॉइंट बन जाता है, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो यू कैन से टोटल शेयर इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज विस्कस शेयर स्ट्रेस एंड टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। विस्कस शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से है, विस्कोसिटी की वजह से है। टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से है, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर, ये हमारे मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से है।
क्लियर है, चले आगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, फ्लो इन दी पाइप कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन द मीन वेलोसिटी एंड द पाइप डायमीटर इज। सो फ्लो इन द पाइप कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर, कितनी होती है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, तो पाइप के अंदर फ्लो टर्बुलेंट कब होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा हो जाए, व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन, अभी 3000 कर दिया, भैया 4000 से ज्यादा होना चाहिए, इट इज मोर देन 4000। अब जब ऑप्शन देखोगे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 4000 से ज्यादा दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने तो नहीं है जीरो, 2000 से कम लेमिनार है, 100 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू क्या हुई हमारी 100 से लेके 2000 के बीच में हुई, तो 100 से ज्यादा कितना हो सकता है, 1500 हो सकता है, तो फ्लो हमारा क्या है, फ्लो हमारा लेमिनार है, पर अगर 3000 से ज्यादा हुआ फ्लो मेरा क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। क्लियर है चीज, तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से 3000 है। अब ये मत बोलना सर आपने तो 4000 बताया था, सवाल में 3000 दे रखा है, तो ये इस सवाल का आंसर ही है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो डेलिबरेटली ये सवाल कराया है क्योंकि ये बता रखा है कोई हार्ड एंड फास्ट रेंज नहीं होती है जिसमें फ्लो लेमिनार से क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नाउ वी नो हाउ टू कैलकुलेट द विस्कस शेयर स्ट्रेस, हमें ये पता है विस्कस शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो टोटल शेयर स्ट्रेस किसके बराबर है, टोटल शेयर स्ट्रेस इज लेमिनार शेयर स्ट्रेस प्लस टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। जो हमारी लेमिनार शेयर स्ट्रेस है ये किसके बराबर है, म्यू डी यू बाय डी वाई। जो हमारी लेमिनार शेयर स्ट्रेस है ये तो हमने निकाल ही लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, इट इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। क्या बच गया हमारा, व्हाट इज बीइंग लेफ्ट, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस बच गई हमारी, तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस बच गई। अब टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस देयर आर सेवरल थ्योरीज। अब दो तीन थ्योरीज है हमारे पास, टू थ्री थ्योरीज आर अवेलेबल, उसको कर लेते हैं। तो पहली थ्योरी जो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस निकालने की है वो है बोसिनस थ्योरी। तो अब किसके ऊपर फोकस है, फोकस है हमारे टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस के ऊपर। तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कैन बी फाउंड यूजिंग बोसिनस थ्योरी। एज पर बोसिनस थ्योरी टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा डी यू बाई डी वाई। हमारी लेमिनार शेयर स्ट्रेस क्या थी, म्यू डी यू बाई डी वाई, यहां पर ईटा आ गया। यहां पर म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, और यहां पर ईटा का मतलब क्या होता है, ईटा का मतलब है हमारी एडी विस्कोसिटी। तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी थी, यहां पर ईटा क्या हो गई, ईटा हो गई हमारी एडी विस्कोसिटी या टर्बुलेंट मिक्सिंग कोफिशियंट, कुछ भी बोल दो। सो यू कैन से एडी विस्कोसिटी और यू कैन से टर्बुलेंट मिक्सिंग कोफिशियंट। फिर हमें यह भी पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। उसी तरीके से आप बोल सकते हो क्या, यू कैन से एडी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू एडी विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो बस चेंज क्या आ गया, चेंज ये आ गया कि डायनेमिक विस्कोसिटी की जगह यहां पर क्या आ गई है, एडी विस्कोसिटी आ गई है, बस ये चेंज है, दिस इज द चेंज। क्लियर है पूरी स्टोरी, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जो एडी विस्कोसिटी है ये कोई फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती, एडी विस्कोसिटी इज नॉट द फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी तो डायनेमिक विस्कोसिटी है हमारी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो पहले चैप्टर में किया था। एडी विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लो की प्रॉपर्टी है। सिंस एडी विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो नॉट दैट ऑफ फ्लूइड, ये थ्योरी इतनी पॉपुलर नहीं है, दिस थ्योरी इज नॉट सो पॉपुलर, बस ये फर्क है। तो ये पहली थ्योरी आ गई बोसिनस थ्योरी। अब पॉपुलर है नहीं है वो अलग बात है, आपको सवाल पूछेगा इसके ऊपर, ही विल आस्क द प्रॉब्लम ऑन दिस। सो फर्स्ट थ्योरी टू फाइंड द टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज बोसिनस थ्योरी। पहली थ्योरी जो अवेलेबल है बोसिनस थ्योरी है टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए। सेकेंड ऑफ द थ्योरी अवेलेबल, दूसरी जो थ्योरी अवेलेबल है इज रेनॉल्ड्स थ्योरी। सो सेकेंड ऑफ द थ्योरी अवेलेबल इज रेनॉल्ड्स थ्योरी। एज पर रेनॉल्ड्स थ्योरी टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश। एज पर रेनॉल्ड्स थ्योरी टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश। रो का मतलब समझ में आता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यू डैश वी डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी डैश फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर। तो यू डैश और वी डैश क्या है, फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी के एक्स डैश और वाई डैश के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी एक थ्योरी निकल के आ गई, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरी अवेलेबल, तो इसको हम रेनॉल्ड्स थ्योरी बोल देते हैं। तो पिछली वाली क्या थी हमारी,
प्रीवियस थ्योरी वॉज बॉसेनस थ्योरी. बॉसेनस थ्योरी हम सॉइल के अंदर भी लगाते हैं टू फाइंड दी वर्टिकल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दी पॉइंट लोड एट दी सरफेस. कहाँ पे स्ट्रेस निकालते हैं? सॉइल मास के अंदर. तो सेम वही बॉसेनस है, एग्जैक्टली सेम बॉसेनस इज हेयर. तो पहली बॉसेनस थ्योरी, दूसरी रेनॉल्ड्स थ्योरी. फिर आगे बढ़े, आगे आई हमारी प्रेंडल थ्योरी. अच्छा, प्रेंडल थ्योरी को एक और चीज भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग लेंथ थ्योरी. तो चाहे प्रेंडल थ्योरी बोल दो, चाहे मिक्सिंग लेंथ थ्योरी बोल दो. अब प्रेंडल थ्योरी रेनॉल्ड्स थ्योरी को ही आगे क्या करता है? कैरी फॉरवर्ड करता है. प्रेंडल थ्योरी कैरी फॉरवर्ड्स द रेनॉल्ड्स थ्योरी ओनली. क्या है टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस? टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डेंसिटी यू डैश इंटू वी डैश. इट इज इक्वल टू डेंसिटी यू डैश इंटू वी डैश. इसने बस क्या किया, इसने यू डैश और वी डैश की वैल्यू बता दी आपको. इसने यू डैश और वी डैश की क्या बता दी? वैल्यू बता दी. अब यू डैश और वी डैश क्या थे? यू डैश एंड वी डैश वर फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन. अब क्या निकाली इसने वैल्यू? ये बोलता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन करने से पहले जो दूरी है उसको हम बोलते हैं मिक्सिंग लेंथ. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने से पहले जो दूरी है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मिक्सिंग लेंथ. तो इसने यू डैश और वी डैश की वैल्यू को रिलेट कर दिया किसके साथ? मिक्सिंग लेंथ के साथ. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मिक्सिंग लेंथ थ्योरी. तो मिक्सिंग लेंथ में भी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड मॉलिक्यूल बिफोर स्ट्राइकिंग द अदर मॉलिक्यूल. तो वो डायग्राम में दिखा रखा है, दैट इज बीइंग शोन टू यू इन द डायग्राम. सो एज पर प्रेंडल थ्योरी यू डैश इज इक्वल टू व्हाट? एल इंटू डी यू बाय डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट. वी डैश इज इक्वल टू व्हाट? वी डैश इज इक्वल टू एल इंटू डी यू बाय डी वाई, डी यू बाय डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वैल्यू पुट करो. टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डेंसिटी यू डैश इंटू वी डैश. वैल्यू उठा के डाली, सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया? सो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर. तो इट इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वाई का एल स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ गया? टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस आ गया. दिस इज टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस. फर्स्ट डे 290 स्टूडेंट से आज 50 स्टूडेंट थे. हाँ, बहुत बढ़िया. अब देखो, ना मैंने पहले दिन स्टूडेंट चेक किए, ना मैंने दूसरे दिन स्टूडेंट चेक किए, और यही फर्क है. इसलिए मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ, आप स्क्रीन के उस तरफ हो. मैं पहले दिन भी अपने काम पे ध्यान दे रहा था, आज भी अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ. और मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले दिन भी अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, आज भी अपने काम पे ध्यान दे रहे हो. तो तुम डाटा ही कलेक्ट करो, सारे चैनलों का डाटा कलेक्ट करके आओ. जितने भी चैनल है सबका डाटा कलेक्ट करके आओ कि पहले दिन कितने होते हैं और आखिरी दिन कितने होते हैं. फिर एनालिसिस करो, फिर रिपोर्ट जनरेट करके दो. हाँ. अब मैं स्माइली नहीं बना सकता, तो मैं बस बोल ही सकता हूं ऐसे. चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. हो गया. तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस आ गया. तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कितनी थी? टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर. ये हमारी क्या निकल के आ गई? ये हमारी वैल्यू आ गई टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस की. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस. अब यहां पर जो वैल्यू है मिक्सिंग लेंथ की, द वैल्यू ऑफ द मिक्सिंग लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? तो प्रेंडल ने मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू भी बताई. प्रेंडल ने बोला मिक्सिंग लेंथ इज इक्वल टू के वाई. तो प्रेंडल ने क्या बोला? मिक्सिंग लेंथ इज इक्वल टू के वाई, वेयर के इज इक्वल टू व्हाट? वेयर के इज इक्वल टू करमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.4. वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू व्हाट? अप्रोक्सीमेटली 0.4, अगर डेटा गिवन नहीं है आपको. और वाई क्या है? वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल. तो पाइप की वॉल से जो दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम y बोल देंगे. तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कैन बी रिटन एज व्हाट? रो के इनटू y का होल स्क्वायर इनटू du बाय dy का होल स्क्वायर. ये प्रेंडल थ्योरी है हमारी. दिस इज अवर प्रेंडल थ्योरी.
सो टोटल शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज इक्वल टू व्हाट? लेमिनार शेयर एंड टर्बुलेंट शेयर. ये हमारा टर्बुलेंट शेयर है. अब लास्ट में आगे क्या बता रहा हूं, लास्ट में आके आपको ये जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि विस्कस शेयर का मैग्नीट्यूड टर्बुलेंट शेयर के मैग्नीट्यूड से बहुत कम होता है, क्योंकि विस्कस शेयर का मैग्नीट्यूड टर्बुलेंट शेयर के मैग्नीट्यूड से बहुत कम होता है, इसलिए हम विस्कस शेयर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसका मतलब टोटल शेयर किसके बराबर है? टर्बुलेंट शेयर के बराबर है. हैंस यू कैन से टोटल शेयर इज इक्वल टू व्हाट? टर्बुलेंट शेयर. पर अगर सवाल में पूछे क्या यहां पे विस्कस शेयर भी होगा, हां यहां पे विस्कस शेयर भी होगा. हेयर विस्कस शेयर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. क्लियर है? तो पहले डिटेल में एनालिसिस कर दी, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लगा दिया. इन द लास्ट वी हैव अप्लाइड दी अप्रोक्सीमेशन. चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो सवाल इसके ऊपर क्या पूछ रहा है, चेक व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. तो पहली प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, पहली प्रॉब्लम बोल रहा है दी स्ट्रेसेस दैट अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएशंस इन दी वेलोसिटी कंपोनेंट इज. फ्लक्चुएशंस इन दी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस. तो टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है? टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस निकाला जाता है बोसेनस थ्योरी से, रेनॉल्ड्स थ्योरी से और प्रेंडल थ्योरी से. तो इसको और क्या बोल सकते हो आप, इसको आप बोसेनस स्ट्रेस बोल सकते हो, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस बोल सकते हो, प्रेंडल स्ट्रेस बोल सकते हो. अब आपको यूलर स्ट्रेस नहीं, लिमिट स्ट्रेस नहीं, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस है, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं. तो इसे पता होना चाहिए कि टर्बुलेंट स्ट्रेस कैसे निकल के आती है. तो प्रेंडल ने भी रेनॉल्ड्स थ्योरी यूज कर रखी थी, उसने बस वैल्यू बता दी थी किसकी, फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी की. ही हैज ओनली डिस्कस द वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएटिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the prandtl mixing length for the turbulent flow through pipe is. So prandtl mixing length कितनी होती है, ky independent of the shear stress, a universal constant, zero at the pipe wall. तो y की वैल्यू जीरो, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. सो इट इज जीरो एट द पाइप वॉल, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप एक्सिस. कुछ भी नहीं है ऐसे, बिल्कुल डिपेंडेंट है. मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y कैन बी रिटन एज r माइनस छोटा r. तो l कैन बी रिटन एज वॉट, k इंटू r माइनस छोटा r, डिपेंडेंट है. तो मिक्सिंग लेंथ इज डिपेंडेंट अपॉन वॉट, रेडियल डिस्टेंस. ये रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो आखिरी वाली स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है. सो लास्ट ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एडी विस्कोसिटी मीन्स दैट इट इज, क्या होती है भैया एडी विस्कोसिटी, अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, नहीं अभी डिस्कस किया था. इट इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. सेम एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नहीं है भैया काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ऑलवेज एसोसिएटेड विद लेमिनार फ्लो, नहीं. एसोसिएटेड विद वॉट, टर्बुलेंट फ्लो. एन अपेरेंट विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट नेचर ऑफ द फ्लो, सही बात है. ये किसकी वजह से होती है, ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट नेचर ऑफ द फ्लो. तो ये फ्लो की प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. क्लियर है? चलो आगे तो नया टॉपिक है, ये कल करेंगे. सो दैट वील डिस्कस टुमारो, आज के लिए सफिशियंट है. सो इन टुमारोज क्लास वील फिनिश टर्बुलेंट फ्लो. कल टर्बुलेंट फ्लो निपटाते, विल फिनिश ऑफ विद टर्बुलेंट फ्लो. फिर दो तीन चैप्टर ही बचे हुए, मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा आपका. तो 15-16 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए आपका ये. क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन. रविवार है क्लास, बिल्कुल होगी क्लास, कल भी क्लास है आपकी. चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल.